बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली, मैं हूँ ईशा अलतनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज और सबसे पहले बात लाहौर शहर की, जो कि बागों का शहर होते हुए भी स्मोक के शिकंजे में है, और यही है हमारी फर्स्ट स्टोरी भी। यहाँ स्मोक की वजह से पूरा शहर धुंधला चुका है, लेकिन मौजें लग गई हैं। प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों की एक हफ्ते के लिए पांचवीं तक के बच्चों को छुट्टियां दे दी गई हैं और उनकी पार्टी शुरू हो चुकी है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात होगी अमरीकी सदारती इंतखाबात की। अब मैदान सज चुका है, सिर्फ एक रोज बाकी रह चुका है, तो अमरीका में इंतखाबी जंग छिड़ने को तैयार है। कौन जीत का सहरा अपने सर पर सजाएगा, ये भी आपको बता। और साथ ही साथ आपको बताएंगे, इंग्लिश शेयरों के बाद शाहीनों को कैंगरूज का चैलेंज दरपेश है। पहले मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में जोड़ पड़ चुका है और दो आउट भी हो चुके हैं। बिल्कुल। और फिर बात होगी पीआईए की निष्कारी की, कब होगी, कौन खरीदेगा और कौन कौन बोली लगाने वालों में शामिल था। 10 अरब रुपए की बोली के बाद अब 20 अरब की पेशकश भी हो चुकी है। पंजाब हुकूमत ने अपनी एयरलाइन बनाने का फैसला भी कर लिया है, ये क्या मामला है, ये भी आपको बताएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि ना जिम ना मशीन, योगा करें और लंबी और सेहतमंद जिंदगी पाएं। तो सेहतमंद जिंदगी का राज आपको बताएंगे किस किस तरह से मुमकिन हो सकता है योगा करना, उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के मार्के की। जो शाहीन है वो कैंगरूज को काबू करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन लग ये रहा है कि आगाज में कैंगरूज ने काबू किया। बिल्कुल, कैंगरूज ने ही काबू किया हुआ, क्योंकि आते ही हमारे दो बल्लेबाज जो है वो चलते बने और एक रन पर हमारे पहले बल्लेबाज जो है साइम अय्यूब गए, उसके बाद अब्दुल्ला गए। और जिस तरह से हम कह रहे थे कि हमने कैंगरूज पर अब काबू पाना है, लगता ये है कि इस वक्त उनकी जो ग्रिफ्ट है वो हमारे ऊपर खासी मजबूत है। हमारे साथ पीजे मीर साहब हैं, साबिक क्रिकेटर, उनको भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे पीजे साहब आपको। पीजे साहब, क्या समझते हैं, खेल दे पाएगी पाकिस्तान शाहीन? ये पहला मैच है, लड़के एक्लेमेटाइज होंगे अभी, आप उनको टाइम दें। अब इस वक्त मैं समझता हूँ कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म इज नॉट रिक्वायर्ड। अब फॉर एग्जाम्पल साइम अय्यूब को ले लो, वो 5 गेंदे खेला बेचारा और आउट हो गया अपने डेब्यू के ऊपर। देखो ना, इरफान और साइम ने दोनों ने डेब्यू किया है, इसमें भी मैं अब बात करूंगा अभी। लेकिन द क्वेश्चन इज के हमें साइम को अभी इनकरेजमेंट देने, ये वन डे है, ये टेस्ट मैच नहीं है, वन डे है। और इसके अंदर जो कोच है इस वक्त, जो स्टैंड इन कोच है या इस वक्त करंट कोच है गिलेस्पी, उसको चाहिए कि साइम को बहुत उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाए। मुझे पता है कि डेब्यू किया था मैंने, दोनों इनिंग्स में 0 किए थे, दोनों इनिंग्स में। अच्छा, तो मुझे तो गोल्डन पेयर मिला, लेकिन मुझे किसने इनकरेज किया, हनीफ मोहम्मद ने। कोई फर्क नहीं है, खेलोगे आगे, खेलोगे अगले मैच में। अच्छी ये बात ठीक करें कि मौका मिलना चाहिए, एतमाद करना चाहिए अपने खिलाड़ियों पे। 3 वापसियां भी हुई हैं, बाबर हो, शाहीन हो, नसीम हो, इन्हें रेस्ट के बाद दोबारा से शामिल किया गया। क्या लगता है, मोराल इनका बुलंद होगा या थोड़े से अंडर प्रेशर खेलेंगे? ये बिल्कुल यू नो ये जुनैद, ये होता है कि जब आप इसको रेस्ट देते हो, फॉर एग्जाम्पल पिछले 2 टेस्ट के अंदर आपने अब द क्वेश्चन इज कि बाबर को अब एक थोड़ा सा एक रिफ्रेश हो के अंदर जाएगा, वो खेल रहा है अंदर जाएगा, एंड ये ना एक्सपेक्ट करें कि बाबर जाके 100 कर जाए सट, गिव हिम टाइम। अब वो दोबारा रिवाइव, और ये क्रिकेट एक ऐसी गेम है जब आप एक इतना, बाबर बहुत बड़ा बैट्समैन है, बुरे पैचेस आते हैं, बेस्ट से बेस्ट पे, हमने सिर्फ ये करना है कि उसको इनकरेज करते रहना है। अगर हम उसको क्योंकि इससे पहले तनकीद का जो है वो जद में रही है टीम भी और मैनेजमेंट भी, कि बार बार जो है मैनेजमेंट भी चेंज होती है, बार बार खिलाड़ी भी तब्दील होते हैं, आप क्या समझते हैं जो खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं वो ठीक है? देखिए, ये तो अब आपको वक्त बताएगा कि गिलेस्पी ने कैसे बताए हैं, क्या कैप्टन की कैप्टन के साथ मिलके किया है, क्योंकि हमेशा टूर के ऊपर भी जो कैप्टन होता है वो कोऑप्ट होता है सिलेक्शन कमेटी के अंदर, और जो कैप्टन है आपने उसको भी इनकरेज करना है। नया कैप्टन है, पहली सीरीज है और वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब देखो ना, मिचेल स्टार्क ये खेल के आया है शेफील्ड शील्ड के अंदर, इसने 7 आउट किए हैं अभी, 7 आउट करके, और फिर आप इसके ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे खेलना, और साथ ही उसने डेब्यूटेंट जो बड़ा अच्छा प्लेयर है साइम अय्यूब, उसको आउट कर दिया। सो द क्वेश्चन इज के हमने इनकरेजमेंट का लेवल कितना रखा हुआ है। इनकरेजमेंट की बात हो
आपने पहले कहा, याद रखें कि ये जो साइम और इरफान जो आए हैं तो जो कैप्स देते हैं वो हमेशा कैप्टन देता है टीम का, ये वसीम अकरम ने दी टीम का हाथ कर दिया। कैप्टन की आपने बात की, मिर्ज़ा रिजवान को कप्तानी सौंपी गई है, मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करते हुए बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते रहे हैं वो माजी में, इस बार टीम की कप्तानी करें पाकिस्तानी टीम की, क्या तवक्कुआत हैं और कितना टोटल होना चाहिए आज के मैच में आपके ख्याल में? उसको बहुत होना चाहिए, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें होती, क्रिकेट की ट्रेडिशन आपको कहती है कि जो भी लड़का पाकिस्तान के लिए खेलता है, जो कप्तान होता है वो आपको कैप देता है, हमेशा कप्तान कैप, किसी लेवल पे आप क्रिकेट खेल लो तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि उसको देना चाहिए था। ये तनकीद बराए तामीर है, ये तनकीद बराए तनकीद, तो हमने ट्रेडिशन भी मेंटेन करनी है, ये नहीं कि एडोकिज्म पे कोई आया तो उसको कह दो ये कर दो बात कर दो, वसीम बहुत बड़ा प्लेयर है, बट ट्रेडिशन। अब ये जो अब आपने कहा कॉम्बिनेशन, ये टीम कॉम्बिनेशन, अब देखो पहला मैच है, इसके अंदर इनकी कॉम्बिनेशन, गिलेस्पी जो है वो उसको बड़ा केयरफुली स्टडी करेगा और आगे देखेगा क्या हो। डोंट फॉरगेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाउंसी विकेट्स हैं, आज कूल यू नो बड़ा ठंडा आप कह लो कि उस विकेट के ऊपर उन्होंने चूज किया कि वो फील्ड करेंगे, सो दे अंडरस्टैंड द विकेट, उनकी एक होम ग्राउंड है, वहां शेफील्ड शील्ड खेलते हैं, इंटरनेशनल्स खेलते हैं, सो अगेन मैं पाकिस्तान को यही कहूंगा कि खिलाए जाने के बावजूद भी वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है, इनकरेज किया जाना यही तो है कि आपको बार बार टीम में मौका दिया जाता है, आपको बार बार खेलने का मौका दिया जाता है, आपको टीम में शामिल किया जाता है, इसके बावजूद जब कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाता तो जो बैड पैच है ये कब तक चलता रहेगा, फिर तो तनकीद होगी। इशाल यही तो चीज है कि हम कहते हैं कि हर लड़का आएगा जो भी ये साइम आया, इरफान है या कोई भी आ जाए या बाबर आ जाए, इन्होंने 100 करना है, 70 80 करना है, ये नहीं होता, क्रिकेट लेवलर है। अब देखो हम कितनी बाबर की करें, बड़ा प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास है, नंबर टू है, कोहली के बाद है, कोहली सब मिल जाएगा, अब उसका बैट मैच आया सब उसके पीछे पड़ गए, देखो जी सेल्फिश प्लेयर है, ये है वो है फलाना फलाना, देखो आपने कंसिस्टेंसी अपनी दिमाग के अंदर डालनी है, ये कैसे डालनी है, सिलेक्शन कमेटी ने, हम हर जगह बैठ के चेयरमैन को वो तनकीद का निशाना, अब ठीक है सिर्फ तनकीद से काम नहीं चलेगा, मौका दिया है तो उसको अब उन पर एतबाद भी करना चाहिए और उन्हें भी परफॉर्म करना चाहिए। कोई ज़्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है हमारा कैंगरूज के वतन में जाके उन्हें हराने के हवाले से, लेकिन क्योंकि अभी दो टेस्ट मैचेस जीतने के बाद मोराल हाई होगा यकीनी तौर पर हमारी टीम का, क्या तवक्को की जा सकती है, कितना टोटल होगा जो कि मुश्किलात पैदा कर सकता है आपके ख्याल में आज? जुनेद ये जो पिछले दो मैचेस जीत गए हैं ये जरूरी नहीं है कि अब पाकिस्तान के पास फ्रेंचाइज आई है, पाकिस्तान शुटकट चले गए, वो उनके किट में चले गए इस सीजन की, आपने देखना है कि अब आज क्या आप करोगे या कल क्या करोगे, टेस्ट मैच आपने नई नई स्ट्रेटेजी जो इन विकेट्स में उन्होंने किया है, क्या ये ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे कर लेंगे ये? नो, दे हैव टू हैव एडैप्टेबिलिटी, और एडैप्टेबिलिटी के अंदर आपकी स्ट्रेटजी, टीम स्ट्रेटजी होती है कि कौन बाउंसिंग बॉल को खेलता है, कौन किस तरह खेलता है, तो ये कैप्टन को तो मैं इतना नहीं कहूंगा, बेचारा नया नया है, लेकिन और पहला सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर किन विकेट्स पे खेलता रहा है, किन विकेट्स पे जाके कप्तानी करे, ये आप एक टेस्ट है। गिलेस्पी जैसे गिलेस्पी जो है वो वहां उसको पता है ऑस्ट्रेलियन को कि उसकी कंडीशंस क्या है, वो किन किन लड़कों की है और कैसे वो खिलाता है, ये स्ट्रेटेजी उसकी सही हो जाएगी, आपका टीम कॉम्बिनेशन विनर, मैच विनर प्लेयर्स कौन से हमारी टीम में आपके ख्याल में, क्योंकि हमने कुछ तब्दीलियां जो की हैं, कामरान गुलाम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ सीनियर्स भी हैं कुछ नए भी हैं, आपके ख्याल में कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर नजरें होंगी ऑस्ट्रेलियाज की भी? यार मेरी तो नज़र हसनैन पे होगी, उसके बाद शाहिन शाह अफरीदी पे होगी, नसीम शाह का अच्छा कमबैक है, ये लड़के बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि डोंट फॉरगेट ऑस्ट्रेलियंस हमेशा फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं क्योंकि वहाँ की वहाँ क्रिकेट ही फास्ट होती है, बड़े कम उनके स्पिनर्स निकलते हैं, राइट आर्म लेग स्पिनर लेफ्ट आर्म ले लो, ये बड़े कम निकलते हैं इन द फास्ट बॉलर्स, सो फास्ट बॉलिंग के ऊपर जिस तरह ये स्टार्क और कमिंस अब आ रहे हैं, हालांकि इन्होंने अपने प्लेयर्स देखो, अच्छा इनकी स्ट्रैटेजी देखो, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श को इन्होंने रेस्ट किया किस पे, मैटरनिटी लीव पे, ये होती है भाई, आप उसको भी रेस्ट दो ताकि उसका फैमिली का भी साथ चलता रहे और साथ ऑस्ट्रेलियन या पाकिस्तानी ड्यूटी के जो प्लेयर्स हैं, लेट देम गेट ऑन एंड डू देयर बेस्ट फॉर देयर ओन कंट्रीज, ये अच्छा कॉन्टेस्ट है।
पीटी साहब, कैंग्रोस टीम को किस तरह से देख रहे हैं आप? इट्स अ डेंजरस टीम, होम ग्राउंड है उनका, बहुत बड़ा एडवांटेज है उनका, क्राउड एडवांटेज है उनका, दे अंडरस्टैंड द वेदर देयर, कई कई लड़के हमारे नए हैं, उन्होंने नहीं खेला वहां, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये काफी मैं समझता हूँ कि आपके खिलाफ जाएंगे, बट अगेन जब आप इस लेवल पे खेलते हैं आपके खिलाफ किसी नहीं कोई फैक्टर्स नहीं जाना चाहिए, यू आर एन अकम्प्लिश्ड प्लेयर, अडैप्ट एंड अडॉप्ट टू ऑल कंडीशंस जहां भी आप खेलते हो। अच्छा, साजिद और नोमान जिन्होंने दोनों टेस्ट के अंदर 40 में से 39 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी, उन्हें ना शामिल करना सही फैसला है? मे बी वो विकेट इतनी बाउंसी है कि मे बी वो इफेक्टिव ना हो, बड़ी ठीक बात है ना, हम यहाँ बैठ के इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन जो आपका जो यू नो ऑब्वियसली उसको ज्यादा पता है, उसको पता है क्या जो अभी आपने ये, उसको पता है कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है, लेकिन आपने उसकी परफॉर्मेंस को ये तो नहीं है कि पिछले मैच में डोसाइड प्लेसेड विकेट पे करके इतने आउट करके तो ऑस्ट्रेलिया करेगा, उनको तो पता है कि ये कैसी गेंद करेगा, यू नो इसका फ्लोटर कैसे आएगा, यू नो इसका हर चीज उनको हर चीज पता है, सो द विकेट प्रोबेबली इज मोर देन लाइकली इज अ डिसाइडिंग फैक्टर, इस विकेट पे ये नहीं कर सकता, आपके जो दूसरे लड़के हैं जो तीन आपने आपके जिनका मैं समझता हूं कम बैक हो रहा है, नसीम शाहीन और ठीक है, बहुत शुक्रिया पी जमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इंग्लिश शेयरों को धूल चटाने के बाद शाहीन कैंग्रूज को काबू करने के लिए तैयार हैं और टॉस जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, पहले टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया, पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी है, पाकिस्तान के दो खिलाड़ी पवेलियन की राह देख चुके हैं जिसमें अब तवक्को की जाती है कि एक अच्छा टोटल बनाने में पाकिस्तान की टीम कामयाब हो, क्योंकि जो होम ग्राउंड है उसका एज तो बहरहाल कैंग्रूज को हासिल है और एक खतरनाक टीम भी है। बिल्कुल जी, और पाकिस्तानी टीम जो है शाहीन अपनी कोशिश भरपूर कर रहे हैं कि वो कैंग्रूज को काबू कर सके, देखते हैं कि कैसी गेम होती है, लेकिन हम यहाँ पर ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे यूएस इलेक्शंस के हवाले से कि वो सेहरा किसके सर जाता है और सदारत किसको मिलने जा रही है, तो स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे आपको, प्रोग्राम में बात अब होने जा रही है सदारती इलेक्शन की, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, कौन बनेगा अमरीकी सदर, अमरीकी इंतखाबात में कुछ टाइम ही बाकी रह गया है और इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की जो वोटर्स को कायल करने की कोशिशें वो भी अभी जारी हैं, क्योंकि अपने अपने जतन जो है वो किए जा रहे हैं कि कौन किस तरह से अच्छा सदर साबित हो सकता है और कौन कन्विंस कर पाया है अभी तक आवाम को और किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, यही हम जानेंगे, हमारे साथ फारूक शहबाज बड़ाइच हमारे साथ मौजूद है, फारूक वेलकम टू शो कहेंगे, फारूक क्या कहते हैं आप, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये जो सवाल है ये तो पिछले कई दिनों से हो रहा है और रोज यहाँ पे सूरत-ए-हाल बदलती है, मैं अब आपको अगर लेटेस्ट बात बताऊं तो वो ये है कि इन्हीं स्विंग स्टेट्स जिनको 7 रियासतें मैं आपके सामने रख रहा हूँ वहीं पर सारी कैंपेन है, यहाँ का सोशल मीडिया हो, यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट हो, इन्हीं 7 रियासतों के इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं। एक बात जो बड़ी यहाँ पर लोगों से मिलने और लोगों को देखने के बाद जो यहाँ के तजियाकार हैं, एक बात है जिस नुक्ते को बड़ा प्रोमिनेंट किया जा रहा है वो ये है कि यहाँ की खवातीन क्या सोच रही हैं। एक तरफ यहाँ पे अभी जो आखिरी खिताब हुआ है उसमें हैरानकुन तौर पे जो कमाला हैरिस हैं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सदारती, उन्होंने कहा है कि मैं जैसे ही पावर में आऊंगी तो ये जो गजा वार है इसको मैं ख़त्म करवा दूंगी। ये वो मौकफ है जो कुछ दिन पहले मिशिगन रियासत में जो स्विंग स्टेट्स में से एक है ये मौकफ ट्रंप ने अपनाया था और खुलेआम अपनाया था और जो मुस्लिम प्रोमिनेंट लोग हैं उनको अपने स्टेज पे बुला के उनसे एंडोर्समेंट भी ली थी और उनसे ये ऐलान भी करवाया था। तो डेफिनेटली यहाँ के जो बता रहे हैं तजिए बता रहे हैं खबरें ये बता रही हैं कि मिशिगन रियासत हो या बाकी जो 6 रियासतें हैं वहाँ के मुख्तलिफ अपने अपने अवामिल हैं, इन अवामिल पे ये गौर कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2-3 दिन से कमाला और ट्रंप तकरीबन एक ही रियासत में पाए जाते हैं, यानी और आज ये आखिरी दिन जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो कमाला और ट्रंप जो है ये दो तीन स्विंग स्टेट्स में एक ही दिन में गए हैं। जिसका आपने जिक्र किया फरोख, उसकी बड़ी अहमियत है और वो जीतने वाले जो भी कैंडिडेट होगा उसमें उनका बड़ा अहम किरदार होगा, क्या मिजाज लग रहा है स्विंग स्टेट्स के रहने वालों का?
और जो आपने बात की है गजा वॉर को खत्म करने की, क्या अमेरिका में भी उसी तरह के दावों के ऊपर आवाम यकीन कर सकती है? क्योंकि इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है वो भी उन्हीं की है, तो अगर वो कुछ कर सकती थी तो अभी क्यों नहीं कर सकी? यही बात है, ये एक वजह है कि जिसके ऊपर जो अरब जो मुस्लिम लीडर थे, वहां के प्रोमिनेंट लोग थे, उन्होंने ये मौका अख्तियार किया कि कैसे हम मान लें कि कमाला जो है वो आके खत्म करेंगी वॉर, जबकि उन्हीं की हुकूमत में और वो नायब सदर हैं अमेरिका की इस वक्त की, और उनकी मौजूदगी में ये सब वॉर। लेकिन बहरहाल सभी मुल्कों के सियासतदानों की तरह यहाँ के सियासतदान भी ऐलान करते हैं कि जब वो आएंगे तो खुशहाली होगी। अभी ट्रंप ने ये बयान दिया था कि जैसे ही वो आएंगे, यानी कुछ दिन रह गए हैं, जब अमेरिका में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जब अमेरिका में खुशहाली दोबारा लौट आएगी, अमेरिका अजीम बनेगा, और अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका इसी तरह खराब रहे तो फिर आप दूसरी तरफ चले जाएं, इस तरह के बयान आप दोनों तरफ से आ रहे हैं। लेकिन ये जो कमाला ने बयान किया, जी जी आप पहले बयान बता दें फिर मैं सवाल। बात है ना गजा वार वाली, यहाँ से आप लें कि वोट इन लोगों ने रिसर्च की है, इन लोगों की सर्वेस बता रहे हैं कि गजा वार जो है वो यहाँ पे वोटर के ऊपर कितना उसका असर है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो आम अमरीकी शहरी है, चाहे उसका मजहब कुछ भी है। यही वजह है कि उसको क्लियर अपनी ये स्टेटमेंट देनी पड़ी। वो इस वक्त अमरीकी नायब सदर है और वो इसराइल के हवाले से, सारी बात है ये बात पसंद नहीं की जाएगी, लेकिन उन्हें अपने वोटर्स के लिए ये बयान देना पड़ा है। अच्छा फारूक, आपने बताया कि ट्रंप और कमला के अलावा भी वहाँ पर बड़े उम्मीदवार हैं। कल मैं आपकी गुफ्तगू सुन रही थी वहाँ के रिहायशियों के साथ, जो आपने एक गुफ्तगू की भी थी, तो उसमें बताया जा रहा था कि बहुत सारे वोटर्स ऐसे भी हैं जो कि उन लोगों को वोट करें जिनका ना मीडिया तस्करा कर रही है, ना वो वहाँ पर उनका कोई और जिक्र कर रहा है। वो कौन से उम्मीदवार हैं और वो उनका जिक्र क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं सामने आ रहे? ये बड़ा दिलचस्प मामला है, खुद यहाँ पर और देखने के बाद अंदाजा हुआ कि मैं भी अमेरिकन जो मीडिया उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी बिल्कुल कोई चर्चा नहीं, और उसके बाद फिर पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में क्या चर्चा होगा जिस मुल्क में इलेक्शन हो रहा है जब उनको। तो एक तीसरी प्रोमिनेंट जो कैंडिडेट है वो ज्यूइश है, लेकिन ग्रीन पार्टी है उनकी, और जिल स्टाइन उनका नाम है। इसके अलावा एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए एक दानिश्वर है, वो मुकाबले में है। लेकिन इनके साथ भी एक आप कह लें कि यहाँ का सिस्टम जो है वो जरा है कि कुछ स्टेट्स में उनका नाम बैलेट पेपर पे भी छापके नहीं आता। अलबत्ता ये जो एक दिलचस्प नुक्ता इसका ये है कि जो जिल स्टाइन है उनको मुसलमान कहीं ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स हैं उनके, और वो इसलिए है कि गजा वार को लेके, और आम अमरीकी भी उनको इसलिए वोट कर रहा है कि गजा वार के ऊपर उनकी स्टेटमेंट इन दोनों उम्मीदवारों से बहुत बेहतर और बहुत ही कड़ी है, सख्त है। अच्छा, और वो अगर 5% से ज्यादा वोट ले जाती हैं तो फिर उनको कुछ फंडिंग का सिलसिला शुरू होगा, यहाँ का जो सिस्टम है वो उनको फिर ले आएगा, और फिर अगली मर्तबा वो किसी भी तरह जब वो उम्मीदवार के तौर पे आएंगे तो बैलेट पेपर पे उनका नाम छपेगा और निशान होगा। ये सिस्टम है यहाँ का जिस तरह से जो काम करता है। अच्छा फारूक, मशरक़ वुस्ता के हवाले से दोनों की क्या पॉलिसी हो सकती है, दोनों क्या किस तरह से कायल कर रहे हैं अपने वोटर्स को? खासकर हमारा कंसर्न तो यही है कि पाकिस्तान के साथ क्या नई आने वाली हुकूमत या जो भी सदर होगा वो ताल्लुकात को नए सिरे से उस्तवार करेगा, या इसी तरह से पॉलिसी चलती रहेगी? मैं थोड़ा सा ये बात कह के कोई आप लोगों की उम्मीदों पे पानी नहीं फेरना चाहता, लेकिन एक बात दिलचस्प है कि 5 नवंबर की रात तक यहाँ पर फैसला तो हो जाएगा कि कौन होगा अमरीकी सदर। यहाँ के रिजल्ट्स तकरीबन कमोबेश बता देते हैं, थोड़ी तखीर के साथ ही, लेकिन अमरीकी सदर को व्हाइट हाउस पहुंचने में फिर भी 2 माह तकरीबन लग जाते हैं। 20 जनवरी को जाके उनकी अलगबरदारी होती है, उससे पहले वो कैबिनेट फाइनल करते हैं, पोजिशन तय करते हैं, और 20 जनवरी के बाद 20 जनवरी को अलफ उठाने के बाद ही वो कोई हुक्मनामा जारी कर सकते हैं। उसके बाद ट्रंप बने या कमाला हैरिस, इन दोनों को यहाँ पे बहुत से मसाइल का सामना होगा। अमेरिका अंदरूनी तौर पर बहुत से मसाइल का शिकार है, वो इमिग्रेंट का मसला हो, वो इनकी मईशत का मसला हो। इनकी तकारीर देखें तो ऐसे लगता है जैसे सुपर पावर अमेरिका चीन से भी थोड़ा सा परेशान दिखाई देता है, यानी ट्रंप का तो बहुत ज्यादा इसरार अपनी तकारीर। एक चीज बताइएगा फारूक, इसके बाद जाके कहीं हाँ, जिस तरह हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जब वोटिंग का अमल होता है तो सबसे बड़ा चैलेंज गुज़श्ता काफ़ी अरसे से, 2 कम अज़ कम टेन्योर से तो ये चल रहा है कि मईशत को किस तरह से बेहतर किया जाए। तो अमरीकी इंतखाबात में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा नई आने वाली हुकूमत को? जी ये यहाँ पे सबसे बड़ा लोगों का मसला है कि लोगों की अभी कट्स लगे, जो टैक्स है
ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि जैसे ही वो आएंगे वो टैक्स कम कर देंगे, और उनके बारे में यहाँ पर आम लोगों की यही सोच हो रही है कि जैसे ही वो आएंगे शायद इनके हालात बेहतर हों। मैं जब यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी से भी मिलता हूँ तो वो ये कहते हैं कि ट्रंप के दौर में उनके हालात बेहतर थे। तो ये जो 4 सालों में यहाँ पर टैक्स बढ़े हैं, यहाँ पर जो बोझ आया है, अमरीकी रियासत बहुत से इमिग्रेंट्स को पाल रही है, तो इस वजह से यहाँ का जो आम शहरी है वो ये समझता है कि उनको बाकी लोगों को ये जंगों में पैसे देने के लिए हों या ये जो दूसरे मामला थे इनमें अमरीकी पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। यही वजह है कि अमरीकी आम शहरी ये समझता है कि हमें इन जंगों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमें इन इमिग्रेंट्स को नहीं पालना चाहिए, हमें अपने बॉर्डर सिक्योर रखने चाहिए ताकि अमरीका जो है अमरीकी आवाम है वो आगे बढ़ सके, मामला ठीक हो सके और अमरीका दोबारा से ठीक है। अच्छा फरूख, जो अमरीकी तहकीकाती इदारे ने एक तहकीक की है जिसके मुताबिक 75% जो वहाँ पर मुस्लिम मौजूद हैं वो वोट कास्ट करते हैं, 25% जो है वो तो समझ लें कि वो वोट कास्ट करने की अहलियत नहीं रखते हैं इसलिए नहीं करते, बाकी के जो 15% है वो वोट डालने से इनकारी हैं, ये वजह इसकी क्या समझते हैं, क्यों नहीं वो वोट डालना चाहते, उनका किसी पर एतमाद नहीं है? अच्छा, एक अजीब बात है, मुझे यहाँ पर यूथ के जो लोग हैं उनसे भी मिलने का मौका मिला, तो यहाँ पर भी ऐसा दिखाई देता है जैसे पाकिस्तान में हम जाते थे और सर्वे करते थे तो लोग कहते थे नवाज शरीफ या इमरान खान या किसी और जमात का नाम लेते थे और एक बड़ी तादाद थी जो कहती थी कि हम किसी पे भी यकीन नहीं रखते। तो अमेरिका के अंदर भी मतलब लोगों का ये मौकफ सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो ये कहते हैं कि भाई ये फैसले पहले से हो चुके हैं, ये सिर्फ टोपी ड्रामा हो रहा है। और इस तरह से यूथ खास तौर पर मुझे लगता है जैसे वो इन इलेक्शंस में थोड़ी दिलचस्पी उनकी उस तरह से एज सच नहीं है, तो ये भी एक वजह। दूसरी बात, ये मुसलमान जो हैं ये यहाँ पर मौजूद तो हैं लेकिन बहुत एक तादाद ऐसी भी है कि ये यहाँ पर मर्दमशुमारी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो मुस्लिम वोटर्स को अलहदा कर सके, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो ये एक अंदाजा है, ये फिगर है, और अभी बहुत से लाखों मुसलमान यहाँ पे तखमीना दिया जाता है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनका स्टेटस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो इस वजह से, और ये रियासतों में फैले हुए हैं, यहाँ पर 50 से ज्यादा रियासतों में फैले हुए हैं, इसलिए ऐसी कुछ चीज को कुछ ही वक्त रह गया है, क्या पता चल जाएगा कि कौन सदारत हासिल कर पाता है और कौन पीछे रह जाता है और किसकी पॉलिसीज, किसके बयान जो है वो काम कर जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और वाशिंगटन डीसी से जिस तरह से हमें बता रहे थे फरूख, और सूरत हाल जो है जिस तरह पाकिस्तान में पल पलती रहती है इसी तरह से अमेरिका में भी पल पल बदल रही है, कभी किसी का पलड़ा भारी दिखाई देता है तो कभी किसी का पलड़ा भारी दिखाई देता है, बहरहाल जो इंतखाबात का दिन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात होगी बाग कमाल लोगों की लाजवाब सर्विस की और वो एयरलाइन जो कि दूसरी बड़ी एयरलाइंस को जो कि इस वक्त सर फहरिस्त दुनिया की एयरलाइंस हैं उन्हें ट्रेनिंग देती रही आज के साल में है और क्या उसकी बोली में कोई कामयाब हो पाया या हो पाएगा, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, बात हो जाए हुकूमत और पीआईए के मामलात की। हुकूमत ने पीआईए के निष्कारी का फैसला तो कर लिया लेकिन ये मालूम नहीं कि निष्कारी आखिर कब होगी, क्योंकि गुज़श्ता दिनों हुकूमत की जानिब से पीआईए की निष्कारी के लिए बोली लगाई गई और निष्कारी कमीशन ने इब्तदाई तौर पर 6 बोली दहिंदगान को अहल करार दिया था जिसमें से सिर्फ 1 बोली देने के लिए पहुंचा और वो भी हैरान कुन बोली थी और पता नहीं वो सीरियस थे या मजाक थे, वो कहते हैं कि 10 अरब की बोली लगाई गई है और उसमें से भी सुनने में ये है कि वो कह रहे थे कि कुछ पैसे कैश में ले लें बाकी के बाकी का प्लॉट ले लें। हाँ, और 85 अरब की जहाँ पर बोली लगाने की उम्मीद की जा रही हो वहाँ पर 10 अरब की सिर्फ, आप 85 अरब कहाँ 10 अरब, तो ये हम बात कर लेते हैं। नसीर बागा साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास क्या अदाद व शुमार है? नसीर बागा साहब, पहले तो ये निजकारी कब तक मुमकिन है? अब तो मुझे लगता है फिर खटाई में मामला पड़ गया क्योंकि बोली देने के लिए तो कोई तैयारी नहीं है। देखें, एक तो निजकारी का अमल और ये जो प्रोसेस आप देखें पहले कितना टाइम इस पे लगा, तकरीबन 10 माह से पीआईए के किसी जहाज को ना तो मेंटेन किया गया है ना ही इस सिस्टम को आगे चलाया गया है, जूं का तू 10 महीने से ये रुका हुआ है, ये बहुत बड़ा लॉस है पीआईए। बिल्कुल ठीक है। मुझे इस सिलसिले में जो एज ए जर्नलिस्ट एतराज है पीआईए पे और इनके बेचने वालों पे, निजकारी वालों पे, आप ये देखिए कि वो एक कंपनी जिसको इन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी कि आपने इन्वेस्टर्स को लेके आना है, उसको 2.25 अरब रुपया पिछली दफा हमने बताया था
$70 लाख से भी ज्यादा रकम थी और अब ये कंफर्म हो गया कि 2.25 अरब रुपया। आप जरा अमाउंट देखें, बर्ड्स कराने के लिए उनका काम क्या है, लोगों को अट्रैक्ट करना PIA की जानब। इसका मतलब एक तो वो नाकाम हो गया बुरी तरह, वो 2.25 अरब रुपया जाया हो गया। अब नए सिरे से उनको पैसे मिलेंगे, अच्छा, दोबारा से बेटिंग के लिए पैसे दिए जाएंगे। यकीनन वो अब ये तो क्राइम हो रहा है, ये तो फिर यानी कि आप दोनों हाथों से लूट रहे हैं। तो अब एक और मामला भी आ रहा है, हमारे नाज़रीन को पता ही है इस बारे में कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी बात कर चुके हैं कि क्या पंजाब भी इंटरेस्टेड है। अब्दुल अलीम खान साहब, उन्होंने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है कि क्या वाकई में पंजाब खरीदने का इरादा रखता है या अपनी कोई एयरलाइन लेकर आ रहे हैं। अलीम खान की गुफ्तगू सुनिए, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। और जो PIA है उसके अंदर जो इसका ऑपरेशनल है सेटअप, जिसमें जहाज़ हैं और बाकी चीज़ें हैं, वो जो है वो PIA में रखी गई। और उसके साथ साथ तकरीबन 200 अरब रुपए का जो नुकसान है वो इसके अंदर पाक किया गया। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेरे आने से पहले हो चुकी थी, 6 महीने पहले हो चुकी थी। इसके मुताबिक सारा प्रोसेस चल चुका था और इस प्रोसेस के अंदर मैं कोई आके उस चीज़ में तब्दीली नहीं कर सकता था जो प्रोसेस ऑलरेडी चल चुका था। इसका मतलब है कि मेरे पास फ्रेमवर्क है ऑफ प्राइवेटाइजेशन, उसमें तब्दीली करने का कोई इख्तियार नहीं। पहली बात तो ये PIA चलाना मेरे जिम्मे नहीं लगाया गया। मैं ये बात सारे दोस्तों को क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे जिम्मे PIA को ठीक करना नहीं है। मेरे जिम्मे जो PIA जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। अब्दुल अलीम खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। वगैरह साहब, एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है कि पंजाब लेगा, विफाक में भी इन्हीं की हुकूमत है, अगर वो इतने अहल हैं तो फिर पंजाब खरीद के कौन सा तीर मार लेगा, ये क्या है? और सूबे से अपने काम तो पूरे हो नहीं रहे, सेहत के, तालीम के, सफाई के, वो एयरलाइन भी चलाने के लिए तैयार है। मैं तो ये खबर सुन के हैरान हो गया हूँ। और मियाँ नवाज शरीफ का क्लिप भी हम लोगों ने सुना कि आपका सका भाई वजीर आजम पाकिस्तान है, यानी वो तो नहीं चला पा रहे, बेटी चला लेगी, बेटी चला लेगी। और आप देखें नाम उसका पंजाब के साथ आप जोड़ रहे हैं, बहुत ही माजरत के साथ, कितना बड़ा सूबाई तासुब फैलेगा और बाकी चारों सूबों कहेंगे कि जो नेशनल एयरलाइन थी वो अब पंजाब के नाम। दुनिया में कोई मिसाल, लेकिन मरियम औरंगजेब तो मान भी नहीं रही हो, तो दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। सुबह चला रहे हाँ, ये जो कुछ कर रहे हैं ना, सॉरी आपकी मैंने बात करी कि दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं है इस तरह का जो ये काम करें। अच्छा, एयर पंजाब या पंजाब एयर के नाम से जी हम नए जहाज खरीदेंगे, भाई पहले ही सुबह ऑलरेडी एक इंटरनेशनल एयरलाइन है, इतनी बनी हुई है आपके पास। आपका सका चचा और नवाज शरीफ साहब के ब्रादर हकीकी वजीर आजम पाकिस्तान है, यानी इसका मतलब है उन्होंने तो नाकामी कबूल कर ली कि जी हमसे PIA नहीं चलती, पंजाब चला ले। ये तो बड़ी ही हैरान। तो फिर मरियम साहिबा के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी होगी कि वो इसको कामयाब कर पाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि मरियम साहिबा ने उन्हें खरीदने का मशवरा दिया है, लेकिन मरियम औरंगजेब जो है वो इसकी तरदीद करती हुई नजर आई है। वो कह रही है कि पंजाब ऐसा कोई फैसला नहीं उन्होंने किया, ना मुझे तो कहीं हर जहाज के ऊपर मरियम नवाज लगी हुई हो और उसका नाम एयर पंजाब रख के पूरी दुनिया में जहाज ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। बाकी साहब, कितने असासे हैं इस वक्त PIA के, क्योंकि ये जो इतनी कम बोलियां लग रही हैं, बड़ा अच्छा कि अल कबीर ग्रुप भी आ गया है। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। लोगों को ना हम एक बात क्लैरिटी से बताएं, बिल्कुल टू द पॉइंट कि असल में हो क्या रहा है। देखिए, PIA की जो टोटल लाइबिलिटीज है ना, वो 825 अरब रुपए है जो खसारा है। नहीं नहीं, जो इनके ऊपर लाइबिलिटीज सारा नहीं, जो इनकी जिम्मेदारियां हैं, जो इन्होंने वाजिबुल अदा देना है, वाजिबुल अदा है, मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज हैं उनके हैं, बोइंग के पैसे हैं, मेंटेनेंस के पैसे हैं, कई जगह से इन्होंने कर्जे लिए हुए हैं। तो 825 अरब, आप जरा रकम देखें कितनी बड़ी देने ही देने, वो तो इन्होंने लाइबिलिटीज है। अच्छा, हुआ क्या, ये जो होल्डिंग कंपनी PIA की बनी है ना, इसको जुनेद साहब इन्होंने इसमें से 650 बिलियन रुपए होल्डिंग कंपनी में डाल दिए। उन्होंने कहा जी हम जाने, हमारा काम जाने, ताकि PIA, इनका ख्याल था कि पीछे लाइबिलिटीज कम रह जाएंगी और PIA आसानी से बिक जाएगा। इसके बावजूद 161 अरब रुपए, हम लोग कहते हैं ना उन्होंने कीमत कम लगाई है, उन्होंने कीमत कम क्यों लगाई है, एक तो 161 अरब रुपए अभी तक फिर भी लायबिलिटीज रहेंगी, और वो जो हम कह रहे हैं ना न्यूयॉर्क वाले होटल मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तमाम महंगी प्रॉपर्टीज, तमाम अहम जो चीज़ें हैं वो इन्होंने रखी हैं, जहाज और रूट और चंद छोटे दफातर जो PIA के 161 जो आप वगैरह बता रहे हैं, ये इनके असासे हैं? नो, ये इनकी बाकी लायबिलिटीज बच जाएंगी।
असासे कितने हैं? देखिए 650 तो उस कंपनी ने ले ली, मतलब उन्होंने अपने जिम्मे ले ली हैं। अच्छा। कि हम देंगे, होल्डिंग बना दी, उसके अंदर सारी चीजें ट्रांसफर कर दी कि जी हम अदा कर देंगे, ताकि जो टोटल लाइबिलिटीज हैं वो कम हो जाएं और पीआईए बेहतर बिक सके, परफॉर्म कर पाए, ठीक है, परफॉर्म करे। लेकिन अब जो बिडर्स हैं, जो खरीदने वाले हैं, जब वो आए तो उन्होंने कागजात देखे, ये फिर अर्नेस्ट एंड यंग जिसने 2.25 अरब रुपया लिया है, ये फिर उनकी नाअहली और कमजोरियां हैं। मैं ये समझता हूँ वो नॉन सीरियस एक कंपनी है। अच्छा, अब बात ये कि इतनी बड़ी अभी भी लाइबिलिटीज हैं, आप मुझे बताएं आप किस तरह इतनी बड़ी असासे तो बताएं ना हमारे जानने वालों को कि बोली जो है उनकी नसासों पर लगनी चाहिए, असासे क्या है, कम से कम बेट कितनी होनी चाहिए जिस पे ये मैच्योर हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जी पीआईए ने, एक तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को इनको पहले बताना चाहिए था कि हमारी मिनिमम कीमत ये होगी, हम 85 अरब से कम पीआईए नहीं बेची। उन्होंने तो बता दिया, तो बाद में बताया, बोली ही 10 अरब की आई है। नहीं नहीं, वो बाद में बताया बागे साहब, जिस दिन आप तशरीफ लाए थे हमारे स्टूडियो में, वो बोली से एक रोज पहले का दिन था। जी जी, और उस दिन भी हमने कहा था कि कम से कम बोली 85 हुई थी, इस दिन मैं आया था, लेकिन वो खबर तो आ चुकी थी बोली से पहले। जी जी, 85 अरब और 385 अरब 3 करोड़ समथिंग, उतनी बोली आ सकती है, लेकिन पहली बोली, लेकिन ये 10 अरब की बोली तो मजाक ही था बोली के साथ। 10 अरब की बोली उन्होंने इसलिए लगाई है, एक तो आप लोग में रखें कि पीआईए का जो फ्लीट है ना, इस वक्त हर जहाज की एवरेज उम्र 17 साल है, यानी 17 इयर्स एवरेज जहाज जो हैं वो पुराने। मैंने आपको पिछली दफा बताया था कि कितने जो 777 हैं वो खराब खड़े हैं, आधा फ्लीट तो आपका ग्राउंड हो चुका है, आधा फ्लीट ऑपरेटिव है, उसकी भी इतनी बुरी हालत है कि जो जहाज खड़े हैं ना, अब आप ये गौर से मेरी बात सुने, कितने एक बोइंग की प्राइस क्या है वैसे? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ये 6 से 7 अरब रुपया जो एक बोइंग की कीमत है, और इस वक्त कितने बोइंग ऑपरेशनल है हमारे पास? हमारे पास जो इस वक्त ऑपरेशनल बोइंग है सर, वो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास 777 जो है, एक इसमें अहम बात मैं बताता हूँ कि 358 इकोनॉमी की इसमें सीटें होती हैं, ये ER है, एक्स्ट्रा रेंज इसको कहते हैं, और एक्सटेंडेड रेंज ये जो हमारे पास इस वक्त हैं 5 और ये टोटल हमारे पास जो है वो तकरीबन 10 जहाज हैं, 5 ऑपरेशनल हैं। जी 5। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि जी यूरोप की जो एक साइड है वो 100 अरब से ज्यादा उसकी वर्थ है, जी उसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, तो जो है ना चलाएंगे, तो सारी बात है, फ्लाइट्स तो जा रही हैं, ऑपरेशनल हैं, अभी भी पीआईए की फ्लाइट्स तो जा रही हैं, तो क्लोज है। अच्छा, लेकिन बात तो चल रही है कि दोबारा से ये रीओपनिंग हो रही है। अगर रीओपनिंग होगी, अगर एयरलाइन का वो स्टैंडर्ड होगा, मैंने आपको सर पिछली दफा बताया था कि हमारे पास कुल 12 जहाज हैं 777, जिनमें से सिर्फ 6 काम कर रहे हैं, और एक में 325 मुसाफिर बैठते हैं और 35 मुसाफिर बिजनेस क्लास के हैं। टोटल रूट्स इस वक्त कितने ऑपरेशनल हैं हमारे पास? हमारे पास 98 रूट्स हैं। फिर भी पीआईए ऑपरेट तो हो रही है ना, फिर खसारे में कैसे जा सकती, कोई एक भी जहाज अगर जा रहा है तो वो जाहिर है मुसाफिर लेकर जा रहा है, कभी खसारे में नहीं होता। हाँ, गुड क्वेश्चन, जहाज खसारे में नहीं है, खसारा किसकी वजह से? वो जो लायबिलिटीज हैं, वो जो आपको हर साल सूद की मद में अरबों रुपया रीपे करना पड़ता है, उसने पीआईए को तबाह कर दिया। पीआईए को अगर पीआईए पे सारे कर्जे हटा दें तो पीआईए तो आज भी प्रॉफिट में चल रही है, जहाज कैसे नुकसान में चल सकता है? असल मसला बिडर्स के लिए ये आया था जुनेद साहब, पीआईए की लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, वो भी तो साथ साथ देनी है, लेकिन वो लायबिलिटीज भी तो खुद ही चढ़ाई है ना वागा साहब। आप बता रहे थे कि 7000 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से मेरे ख्याल में काम करने वाले शायद 700 भी नहीं होंगे। अच्छा, जो डिलीवर कर रहे हैं, निकाला जाता है तो मेरे ख्याल में काफी बर्डन कम हो जाएगा पीआईए के ऊपर। अच्छा अच्छा, बात ये है कि ये जो एम्प्लॉयज के बारे भी बात है ना, एम्प्लॉयज भी तकरीबन 9-10 हजार हैं, जिसमें डेली वेजेस ये शामिल ही नहीं कर रहे हैं। 7300 से ज्यादा एम्प्लॉय रेगुलर हैं, और तकरीबन 3000 एम्प्लॉय जो है वो डेली वेजेस का है। कितना पीआईए के पास एहसास है और उसके ऊपर बिड कितनी लगनी चाहिए? 85 अरब वो है जो उन्होंने लगा दी है, लेकिन क्या 85 अरब बनता है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनमें से कुछ तो ऐसे जो ग्राउंड हो चुके हैं ना, असासा टोटल है कितना जिसके ऊपर जाहिर है बेड लगेगी? ये के सिवाय जहाज़ों के अलावा, आप ये देखिए जहाज़ की कीमत इसलिए प्रॉपर नहीं लग सकती कि जहाज़ तो ख़राब खड़े हुए हैं। आपका आधे से ज़्यादा, मैंने बताया कि आपके पास 17 एयर बसेज हैं जहाज़ में पीआईए के पास, और 7 खराब हैं और 10 चल रही हैं,
अब बताइए जो खरीदने जाएगा वो किस तरह उसका एस्टीमेट लगाएगा कि यार ये कितने की जा, और फिर 20-20 साल पुरानी एयरबसें हैं हमारे पास, हमने इनको मेंटेन नहीं किया। मैं आपको एक काम, देखिए बाजी, जब आपने कोई कार बेचनी होती है ना, तो आपको पता है आप उससे पहले उसको डिटेलिंग कराते हैं, उसको ठीक करते हैं ताकि उसकी कीमत अच्छी। यहाँ उल्टा काम हुआ, यहाँ क्या काम हुआ, पहले पीआईए को तबाह बर्बाद कर दिया। 10 महीने के अंदर आपको अंदाजा नहीं है कि पीआईए के जहाजों के साथ क्या खेल खेला गया, जो जो थोड़े से खराब थे ना में से पुर्जे उतार आप, के वागे साहब माशाल्लाह एक तवील अरसे से, हम 20 साल से तो कम से कम मैं देख रहा हूँ आप कवर कर रहे हैं इस सारे शोबे को जी, आपकी सजेशन क्या है, अब सॉल्यूशन क्या है, वे आउट क्या है कि दोबारा से क्या हम उस पोजीशन में आ सकते हैं कि हमने तरक्याफ्ता एयरलाइंस को ट्रेनिंग्स दी हैं पीआईए ने, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस इसका स्लोगन था, क्या हम उस मुकाम पे आ सकते हैं या इसको खत्म करके नई एयरलाइन बनाई जाए? देखिए इसी एयरलाइन को खड़ा करना पड़ेगा, नई एयरलाइन बनाना बहुत मुश्किल काम है, देखिए रूट्स अप्रूव करवाना ही कितना मुश्किल काम है, ये बड़ी कीमती चीज होती है परमिशंस ऑफ लैंडिंग, के दुनिया के 58 ममालिक में आपका जहाज जा सकता है, आपकी फ्लाइट्स जा सकती हैं, आपको बहुत बड़ा रेवेन्यू आ सकता है। क्यों खराब क्यों हुआ, आपने ओवरबर्डन था इंप्लॉइज का, आपने बेतहाशा मुलाजम रखे, उनके पर्क्स इतने ज्यादा थे, उनकी टिकटें कितनी फ्री थी, अनलिमिटेड मेडिकल, पूरी पूरी फैमिली। निष्कारी सोल्यूशन है जी, निष्कारी सोल्यूशन है प्राइवेटाइज करना, बिल्कुल यही इसका सोल्यूशन। अच्छा कितने बेड होने चाहिए, अगर आप बेड दें पीआईए की तो कितने देंगे? मेरे अंदाजे के मुताबिक ना 60-70 अरब रुपए की बेड होनी चाहिए, मेरे पास पैसे हो तो मैं 60-70 अरब की बेड जरूर दूं, पोटेंशियल है इतना जी, बिल्कुल इतना। तो फिर अभी 20 अरब तक रुकी हुई है बेड, इसका मतलब है कि ये तो नहीं बिकने वाला, उतने में गवर्नमेंट कभी भी नहीं बेचेगी ना। लेकिन एक और सवाल है, अगर 60-70 अरब में कोई देखे बेड, उसको ऑनरशिप ही ना मिले, उसको चंद शेयर्स मिलेंगे, तो कौन इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार है? तो 65%, तो फिर जब आपको ऑनरशिप ही नहीं मिलेगी, जब आपको फैसला साजी के उसके अंदर इख्तियारात ही नहीं होंगे, देखिए ना जो खराबी पैदा हुई है, चाहे वो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज एडमिनिस्ट्रेशन की हो, मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई हो, अगर ये सारा कुछ ठीक करने का इख्तियार नहीं मिलता तो कौन बिड में हिस्सा लेगा, कौन ऑनरशिप लेगा? देखिए मैंने बताया ना कि इसमें शर्त ही ये है कि ये तमाम तर इख्तियारात बिडर के पास, इंटरफेरेंस रहेगी मैनेजमेंट, गवर्नमेंट के सिर्फ शेयर्स रहेंगे, एक वो पीआईए का नाम नहीं चेंज कर सकेगा, तो सबसे नेशनल फ्लैग नहीं उतार सकेगा उसकी टेल से, और सबसे बड़ी बात एयरलाइन को बंद नहीं कर सकेगा, ये भी तो हो सकता है कि वो पीआईए को बंद कर। शेयर्स में 65% 65% प्रॉफिट के ऊपर शेयर होगा या कंपनी के अंदर ही शेयर होल्डर होगा गवर्नमेंट का? जो पीआईए के टोटल शेयर्स हैं मार्केट में, उनमें से जो 65% है वो खरीदेगा नया बिडर, और बाकी जो 35% है वो बचेंगे गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। अब जो तमाम तर इख्तियार हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, बंदे हायर फायर ट्रांसफर पोस्टिंग जहाज, ये भी बिडर के पास है, ये सारा कुछ बिडर नई इन्वेस्टमेंट करेगा। अच्छा तो अब आप क्या समझते हैं दोबारा बिडर कब तक दोबारा से बोली होगी? मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 6 माह लगेंगे, और फिर से हमें वो 2 अरब कितने, 2 अरब देने पड़ेंगे बिडर, 2 अरब रुपया उसने लिया है, वो दोबारा से नई डॉक्यूमेंटेशन करेगा, फिर नई चीजें बताएगा, फिर वो कहेगा जी मैं और लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ। तो आपने ये नहीं देखा कि दुनिया का कोई मुल्क पीआईए खरीदने नहीं आया? इसको अपने पांव पे खड़ा करने के लिए, रिबिल्ड करने के लिए, रूट्स को बहाल करने के लिए, जो तैयारे नकारे हैं उन्हें अपग्रेड करने के लिए कितना मेरे ख्याल में रेवेन्यू जनरेट होगा, आप बेहतर बताएं। मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, देखें एक तो बात यह है कि कोई जहाज जो है उसको रीबिल्ड या उसको ऑपरेटिव करने के लिए कोई ये नहीं है कि आप बाहर एयरलाइन के हवाले से जरा बताइए ना कि कितना बजट चाहिए होगा। बिल्कुल अच्छा, अब आप ये देखें कि कम अज कम एक जहाज पे मेरे अंदाजे के मुताबिक मिनिमम जो 777 है, 1 अरब रुपया एक जहाज पे उसकी अपग्रेडेशन पे लगे तो वो सही ऑपरेटिव होगा, जिसे कहते हैं ना अप टू द मार्क। और ये बनाते कौन है? वही बोइंग कंपनी बनाएगी, यहाँ का बंदा नहीं बनाएगा, हमारे इंजीनियर्स तो उसको थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर जहाज को आपने रिकंडीशन जैसे करना है, उसको नए सिरे से पेंट होगा, सीटों की कॉन्फ़िगरेशन होगी, उनके इंजन्स अपग्रेड होंगे, उनमें कोई खराबियां, दूसरा उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का सिस्टम, कम अज कम जी एक जहाज पे 1 अरब रुपया लगेगा वो जहाज, ये ठीक पूरा। इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट जानती है
है, मरियम साहिबा जानती हैं कि इसमें पोटेंशियल मौजूद है, अगर इसके ऊपर पैसा लगाया जाता है तो ये दोबारा से खड़ा हो सकता है। तो उनके चाचा जान को ये बात नहीं पता? चाचा जान को, उनके चाचा जान को पता तो है सारा कुछ के ये हो सकता है, लेकिन वो इतने उलझे हुए हैं दूसरे आपके अपने पॉलिटिकल मामलात में। देखें, पंजाब गवर्नमेंट से तो बागा साहब स्मोग नहीं समझ रहा, बच्चों को एक हफ्ते की छुट्टियां दे दी हैं। जुनैद भी एक समझते हैं कि पीआईए भी पंजाब से नहीं समझ पाएगी अगर विफाक से नहीं, उन्होंने अगर छुट्टी दे दी एयरलाइन को भी हफ्ते की, तो क्या होगा जी, हमने फ्लाइटें ही बंद कर दी है एक हफ्ते के लिए, जहाजों के धुआं ही ना निकले कहीं, हालांकि उसमें धुआं तो नहीं होता। तो फिर मैच पड़ा साहब बिल्कुल सही है बात कर रहे हैं कि देखिए ये सूबों का काम नहीं है, अव्वल तो ये गवर्नमेंट्स का ही काम नहीं है, ये एयरलाइंस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर, सूबा भी तो डिपेंडेंट है ना विफाक का, विफाक से नहीं चल रहा तो सूबे ने भी तो उन्हीं से लेके चलाना। हाँ, तो फिर ये तो समझ से बात, फिर इतनी उम्मीद करते हैं बागी साहब, थैंक यू, बड़ी रकम तौर पर लेना चाह रही हूं सूबे के बजट में से, इतनी बड़ी अरबों रुपए उस पे जो लगने हैं जहाजों की मेंटेनेंस कहां से, यहां तो। लेकिन अगर मरियम साहिबा जाती तौर पर उसको खरीदने में इंटरेस्ट रखती है तो शायद वो खरीद सकती है, पंजाब गवर्नमेंट को अपसाइड पे कर कई लोगों ने तो मुझे ये भी कहा कि जी ये 10 महीने में इसको बर्बाद ही इसलिए किया गया कि कुछ चंद मखसूस लोग इसको खरीद, चले वो ये फिर बात नहीं और निकल जाएगी। आपने जो बात किया बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि जो भी इस एयरलाइन को खरीदे इसको अपने पांवों पे खड़ा करे और जो खोया हुआ मकाम था इस एयरलाइन का उसे वापस लाया जा सके। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। अज़ीम वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको कहेंगे सुबह बख़ैर। और लाहौर का एक बड़ा मसला हो चुका है स्मॉग का, स्मॉग की वजह से मामला ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं, कोशिशें भी हो रही हैं लेकिन अभी तक वो कोशिशें चाहे वो ग्रीन लॉकडाउन हो क्यों ना हो कारगर साबित होती दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल ऐसे ही फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर सर फहरिस्त है इस वक्त, और स्मॉग की वजह से भारतीय पंजाब में भी फसलों की जो बाकियात जलाई जाती हैं उसको बड़ी वजह समझा जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि हर साल ही जब ये सीज़न आता है तो हम लाहौर पूरे का पूरा जो है वो फजाई आलूदगी से दो चार रहता है। सूरत हाल के अंदर बच्चों की मौजें हो चुकी हैं एक हफ्ते की छुट्टियों के बाद, क्योंकि प्राइमरी के जो बच्चे हैं पहले से पांचवी क्लास तक के जो बच्चे हैं उन्हें छुट्टी दी गई है और कोशिश यह की जाएगी कि इसके अंदर मजीद इकदाम। प्राइमरी किए भी काफी अर्सा हो गया ना इसलिए आप भूल गए थे कि फर्स्ट से कहां तक के बच्चे जो है वो इसमें याद है, पांचवी तक के बच्चे उनकी मौजें लग रही है। लेकिन एक चीज मुझे गिला यह है कि इन बच्चों हमारे दौर में क्यों होता था, अच्छा जुनैद का भी यही सुबह से बारिश हो जाए आंधी आ जाए तूफान आ जाए, लेकिन बिल्कुल। और हमारे जो पेरेंट्स थे वो भी ज्यादा ही सख्त थे हमारे, हाँ जब हमारा वक्त था स्कूल जाने का तो बच्चों के माँ बाप के जो दिल थे बड़े मजबूत थे, वो कहते थे बस तुम जाओ घर पर भी तो रह के तुम लोगों ने फजूल में टाइम वेस्ट करना है। अब के जो माँ बाप हैं वो बड़े ही हसास मिजाज के हैं, वो कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा भी नज़ला जुकाम खांसी ना हो, और हमारे बच्चे भी थोड़े ओवर सेंसिटिव हैं। तो जुनैद का जो गिला है वो बजा है, लेकिन ये कि गलत नहीं बच्चों को किस तरह से घर पे बिजी रखा जा सकता है अगले सेगमेंट में उसी पर बात करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त माँ बाप की बिल्कुल माँ बाप की परेशानी जो है ना वो और बढ़ गई है कि बच्चे अब 24 घंटे के लिए सर पे सवार होने जा रहे हैं, पहले सिर्फ गर्मियों में बर्दाश्त करना पड़ता था, फिर 10 दिन की सर्दियों की बात है इतनी लंबी, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल चल रही है एक हफ्ते के अंदर मामला बेहतर हो जाएंगे, बारिश भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, उसके साथ साथ हम उम्मीद कर हवाओं का रुख भारत की जानिब भी हो सकता है कि ये आलूदगी जो है इससे छुटकारा मिल सके। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद साहब हमारे साथ हों, उनसे मौसम का हवाल जाने, धुंध में और स्मॉग में कब तक कितनी कमी हो सकती है, और ये खासतौर पे लाहौर हर बार धुंध फिजिकली भी आई नहीं है, धुंध के भी इम्कानात हैं, स्मोक और स्मॉग जब मिक्स होते हैं तो वो बिल्कुल स्मॉग और स्मॉग जब मिलते हैं तो फिर धुआं ही धुआं हो जाता है, स्मॉग बन जाता है और उसकी वजह से फिर जिंदगी मुतासर होते हैं। अच्छा जी, शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। शाहिद अब्बास साहब, ये कब तक सिलसिला चलेगा, क्योंकि अब तो आने वाले दिनों में धुंध भी शुरू हो जाएगी, स्मॉग से भी छुटकारा हासिल नहीं कर पाए हम, कब तक ये सूरत हाल चलेगी, बारिशों की कोई उम्मीद है? इस साल का मौसम बड़ा यूनिक है, हमने पहले एक फोरकास्ट की थी कि ये अक्टूबर नवम्बर दिसंबर इसमें पहले ही सीजन की कम बारिशें होती हैं, और इस साल नॉर्मल से भी काफी कम है, अक्टूबर का पूरा महीना गुजर गया तकरीबन 5 हफ्ते बारिश नहीं हुई, और जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम बनी है, और आने वाले दिनों में भी जो है हफ्ता 10 दिन तक कोई अच्छी बारिश नहीं है, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम तो रहेगा, और हवा भी नहीं चलती,
बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाहिद भाई साहब, ये कहा जा रहा था कि भारत से हवाओं का रुख जो है पाकिस्तान की जानिब है, जिसकी वजह से वहां से भी तमाम धुआं और गिरदों को बारूद के इस तरफ आ रहा है, क्या ऐसा ही है? आप कह रहे हैं हवाएं नहीं है जी। देखे अगर हम इंडिया वाला का फैक्टर को छोड़ दें तो लाहौर में बताते खुद आलूदगी इतनी है, तो उसको हम एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन ये हुआ कि पिछले हफ्ते में 2-3 दिन हवा लाहौर से इंडिया की तरफ चली, तो जिससे हुआ कि लाहौर रिलेटिवली, यानी कि हमने भी थोड़ा सा बदला ले लिया है। इंडिया हर बार ऐसा करता है, जो ही हवाएं रोकती है तो वो फिर सारे दोबारा से हो जाते हैं। अच्छा शाहिद साहब, ये जो पहली से पांचवी तक के बच्चों को छुट्टियां दी गई हैं, ये फॉर्मूला कारगर साबित हो सकता है? इसमें स्मॉग में कमी बाकी होगी? नहीं, इसमें कितनी बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन होगी उसे देख ले, एक हफ्ते का एक्सपेरिमेंट करके देख ले एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना नीचे आता है। उससे देखें, उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स में तो शायद बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन बच्चों की सेहत को जो है एक्सपोज होने से बचा के उनको सेव कर रहे हैं हम। बिल्कुल ठीक है। इसमें तो शाहिद भाई साहब, बच्चे तो बड़े हों या छोटे हों, दोनों ही डैमेज हो सकते हैं। गले तो सब बच्चों के मुतासिर होते हैं, फिर ये सिर्फ छोटे बच्चों को छुट्टी दे देने से क्या स्मॉग में कमी हो सकती है या फिर बच्चों को कम्प्लीटली बचाया जा सकता है? जी, ये बीमारियां और सारे एयर क्वालिटी इंडेक्स के जितने लेवल है वो अपनी जगह पे, एक पिछले दिनों हायर लेवल पे सजेशन थी कि ये जो लेवल है इनको रिवाइज करें। हमारा बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज्यादा होता है, तो हमारी रेजिस्टेंस यूरोपीय माशरों से ज्यादा है। हम 300-400 की एयर क्वालिटी इंडेक्स पे तो बड़ी फ्री आराम से सांस ले सकते हैं, आराम ले रहे थे। अच्छा। लेकिन ये कि अब इसमें जो काम करने वाला है उसको ट्रैफिक को या बाकी चीजों को मैनेज कर लेगा। लॉन्ग रन हम बैठे होते हैं कुदरती नियमतों पे, हवा आ जाएगी, बारिश आ जाएगी, अपने हिस्से का वो काम नहीं कर पाते जो परमानेंट। अच्छा शाहिद साहब, क्या आपकी फोरकास्ट क्या है महकमे मौसमियात की? एक तो बकायदा ठंड का आगाज कब से होने जा रहा है, स्मॉग में कमी कब तक तवक्को रखी जाए, और क्या धुंध भी हमें लपेट में ले सकती है आने वाले दिनों में? जी ऐसे है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर कम होने से जो वर्टिकल लेयर है पोल्यूशन की वो नीचे आ रही है ठंड की वजह से। जिसकी हाइट 2 किलोमीटर के करीब थी, अब 1 किलोमीटर, उससे पोल्यूशन का इस वजह से भी बढ़ गई कि जो गर्दों के बाहर 2 किलोमीटर की हाइट में था वो 1 किलोमीटर में आ गया। आने वाले दिनों में टेम्परेचर और कम होंगे, ये लेयर और सुखड़ेगी और जमीन लेवल पे इसकी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स और खराब होगा, और तकरीबन 1 हफ्ते तक तो आगे बारिश का इम्कान नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स मजीद अभी खराब होगा जैसे जैसे ये लेयर गर्द की नीचे आती जाएगी। और अब सर्दी की बात की तो सर्दी तो लाहौर में मिड दिसंबर से पहले नहीं आती, मिड दिसंबर से लेकर एंड जनवरी तक कोई 45 से 50 दिन होती है, और उन दिनों में फिर धुंध भी जो है उसकी भी लेयर उसमें इजाफा हो सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाहिद अब्बास साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और अभी वो कह रहे हैं कि थोड़ा और सब्र का मुजाहरा करना होगा और इंतज़ार करना होगा ठंड आने में भी और स्मॉग में कमी में भी। इसी मामले पर नाज़रीन, हमने आपको बताया कि अब एक हफ्ते के लिए घर पर हैं, तो उन्हें क्या क्या मसरूफियात उन तो लगाया जाए, किस तरह से उन्हें बिजी रखा जाए, क्योंकि घर से बाहर भेज नहीं सकते, मौसम आलूदा है, और घर के अंदर वो उधम मचाते हैं, तो इसका कुछ उधम मचाते हैं या फिर उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, मोबाइल और टैब जो है वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं सबाहत रफ़ी साहिबा, माहिर तालीम है आप, वेलकम टू शो कहेंगे आपको। सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि बच्चे अब घर में बैठ चुके हैं, बच्चों को किस तरीके से एंगेज करें, क्या उनको एक्टिविटी ऐसी दें कि वो घर में बैठे भी उधम भी कम मचाएं, जिनसे माँ बाप इस वक्त बड़े तंग हैं और साथ में वो कुछ कर भी रहे हों? देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि बच्चों का उधम मचाना कोई बुरी बात नहीं है, बच्चों में अल्लाह ताला ने एक तख्लीकी क्रिएटिविटी रखी हुई है, एक एनर्जी रखी हुई है, और बच्चे उधम मचाते हुए भी अच्छे लगते हैं और उसमें सीख भी रहे होते हैं, और एक यंग माइंड में, एक यंग बॉडी में बहुत सी एनर्जी होती है, बिल्कुल होती तो है। उसको तख्लीकी तौर पे और तामीरी तौर पे इस्तेमाल करने का जो काम है वो हमारा है, बहसियत माशरा, बहसियत माएँ, बहसियत स्कूल, तो उसको बुरा नहीं समझना चाहिए उसकी। आप सही कह रही हैं, बट हम लोग बच्चों क्या क्या हो सकती हैं, किन मसरूफियात में उनको बिजी रखा जाए ताकि पॉजिटिव उनको यूटिलाइज किया जा सके, उनकी ग्रूमिंग को बेहतर किया जा सके, इस टाइम को यूज करते, क्योंकि वो जो एनर्जी तो उनके अंदर है नेचुरली, लेकिन उसको कोई पॉजिटिव वे मिलना चाहिए ना निकलने का। सबसे अहम तो ये बात है कि हमें एज अ कौम क्या ये चॉइस करनी चाहिए कि अगर
इन्वायरमेंट हो और बच्चों की तालीम हो तो हम अपनी तरजीहात कैसे मुंतखब करते हैं, मेरे ख्याल में ये उससे भी अहम सवाल है। छोटे बच्चों की ख़ासतौर पर प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनके लिए जो लर्निंग लॉस होता है एक हफ्ते की ब्रेक से वो बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, आपको एक कंटिन्यूटी एजुकेशन के अंदर चाहिए होती है टू गेट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो कि आप उनसे लेना चाह रहे हैं। तो उसको इस तरह अनस्केड्यूल्ड ब्रेक करना जिसमें कोई प्लानिंग नहीं है वो मेरे ख्याल से कोई एक तामीरी चीज़ नहीं है। और अगर एनवायरनमेंट में और तालीम में अव्वल तो चॉइस होनी नहीं चाहिए हमारे लिए एज़ ए नेशन, ये कोई नई चीज़ नहीं है जो स्मॉग आ रही है, हर साल हम इससे डील करते हैं, तो हमें एक कौम के तौर पे प्रोएक्टिवली पहले से उसके लिए कोई तहफ़ुज़ात करके रखने चाहिए। और जिस तरह शाहिद अब्बास साहब भी कह रहे हैं चीमेटोलॉजिस्ट के हमारे बच्चे जब पैदा ही होते हैं तो 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स तो तब भी चल रहा होता है जब वो बच्चे पैदा होते हैं, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें सांस लेते रहते हैं तो वो आदी हो जाते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उस तरह से इम्यून सिस्टम। खैर मैं यकीनन वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं इस मौजू के ऊपर, मैं तो तालीम के हवाले से बात कर सकती हूँ, लेकिन डेफिनेटली पूरी दुनिया में गुड प्रैक्टिसेस मौजूद हैं कि माहौलियाती आलूदगी को कम कैसे किया जा सकता है और मैनेज कैसे किया जा सकता है। मुझे ये लगता है कि हम एक माशरे के तौर पे बंद मैनेजमेंट में बहुत बिलीव करते हैं। अगर सिक्योरिटी है शहर में, क्रिकेट का मैच है तो पूरा शहर बंद कर दे, कोई बाहर से लोग आए हैं हमसे अगर तहफ़ुज़ नहीं प्रोवाइड किया जाता तो पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया जाता है। जो लॉकडाउन मेंटालिटी है वो बच्चों की अगर आप सेहत की बात करते हैं तो उसके जहन के लिए भी गलत है। बंद कर देने से कोई चीज़ का हल नहीं। हमने कोविड के अंदर भी देखा सुभाष साहब के उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, अभी भी बात हो रही है ग्रीन लॉकडाउन की, तो या तो शायद उनको ये खदशा है कि पोल्यूशन की वजह से या बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए जो गाड़ियाँ आती हैं उसकी वजह से पोल्यूशन फैलता है और फिर उनकी बच्चों की सेहत भी मुतासर हो सकती है। हालाँकि आप जो बात कर रही हैं माहिर तालीम है उन्हें शामिल गुफ्तगु करना चाहिए कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन उस तरफ तो गवर्नमेंट आए ही नहीं ना। अब क्या आपने जैसे गाड़ियों के बारे में कहा है तो पूरी दुनिया में एक सलूशन मौजूद है जी। पूरी दुनिया में बच्चों को स्कूल तक ले जाने की जिम्मेदारी स्कूल की है, हुकूमत इस जिम्मेदारी को उठाती है, बसेज होती हैं, हर बच्चा एक गाड़ी पर नहीं आ रहा तो नंबर ऑफ़ कार्स ऑन द रोड जो है वो कम हो जाते हैं, तो आलूदगी यहाँ से कम हो जाती है। उन बसेस को आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ले जाएँ तो चीज़ कम हो जाती है। अगर एक स्कूल बंद करने की बजाय ये रूल बना दें कि आपको इतना ट्रांजिशन टाइम दिया जाता है फैसिलिटेट कि उसके अंदर गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकती है, अगर ये हमारी तरजीहात में है कि माहौल को आलूदा भी नहीं करना तो उसमें कम से कम बच्चों के मुस्तकबिल और उसकी तालीम को मेरे ख्याल से उससे फर्क पड़ेगा। एज एन एजुकेशनिस्ट मैं ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बिलीव नहीं करती हूँ। इस उम्र के बच्चों को आपस में क्लास डिस्कशन कोलैबोरेटिव स्टडी की ज़रूरत होती है। इंसान एक ऐसा जानवर है जो कि वी आर ऑल मैमल्स, बिल्कुल ऑल मैमिलियन किड्स जो हैं वो लिटर में पैदा होते हैं, इकट्ठे पैदा होते हैं, क्योंकि बच्चे आपस के पीयर इंटरेक्शन से सीखते हैं। हम और छोटे बच्चे को तो वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस का उस तरह से समझ नहीं आएगा जिस तरह फिजिकली आप बच्चों को आप वैसे भी अज्यूम कर रहे हैं कि हर घर में दोनों वालिदैन या औरत घर बैठी हुई है या कोई घर बैठा हुआ है जो कि इन बच्चों का ध्यान कर सके। बिल्कुल, अगर मैं एक रोज़ पहले कर रही हूँ तो मुमकिन है कि वालिदैन अब उनके लिए बमुश्किल यही मैनेज कर सके। तामीरी काम करने के बारे में आई कैन टॉक अबाउट कि बच्चों के साथ वेकेशन में क्या एक्टिविटीज़ की जा सकती है। आपके पास क्या सजेशन होंगी क्योंकि अभी इस वक्त बच्चे घर बैठ चुके हैं, गवर्नमेंट ने जो डिसीजन ले लिया 1 वीक से एक्सटेंड भी हो सकता है, मजीद भी छुट्टियाँ हो सकती हैं, तो बच्चों की एजुकेशन भी ना डिस्टर्ब हो, उनको जाहिर है आपने पढ़ाना भी ज़रूरी है, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और फिर घर में रहते हुए अगर ऑनलाइन क्लासेस पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं सुबह के टाइम पर ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं तो बच्चे को पढ़ाएगा कौन, बच्चे के सर पर तो माँ बाप का होना उस वक्त बहुत ज़रूरी है, वो किस तरह से मैनेज होगा, इस तरह से बच्चों की पढ़ाई का हर्ज आप समझती हैं होगा जी। और मुमकिन है कि हमारे मुल्क में जो तालीम की सतह है वहाँ नहीं है, मुमकिन है वालदा जो है वो तालीम याफ्ता ना हो। तो अगर आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि बच्चों को घर बिठाने से उनकी तालीम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी तो मेरे ख्याल में ये गलत बात है। और जो तामीरी और इस तरह से चीज़ करने उसके लिए भी एक पढ़ी लिखी माँ का अवेलेबल होना घर में ज़रूरी है, माहौल का वैसे होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो सच बात यह है कि इस पूरी चीज़ से ही मुत्तफिक नहीं हूँ कि अगर कोई चीज़ बंद करनी है तो बच्चों से शुरू की जाए, ये बच्चे इस मुल्क का मुस्तकबिल है, ये माहौल एक्चुअली इन्हीं का है। इनको मैंने एजुकेशनिस्ट को लूप में नहीं लिया, उनसे इस बारे में डिस्कशन नहीं हुई है कि इतने छोटे बच्चों को घर बिठा देना इस मसले का हल नहीं है, उनकी तालीम का हर्ज भी होगा।
मुमकिन है किया हो, मैं उसके आई एम नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, लेकिन मैं गुजारिश ज़रूर करूँगी आपकी वसात से कि लोगों को ऑन बोर्ड किया जाए और ये जिम्मेदारी माँ बाप पे ना डाली जाए। अभी वो समर वेकेशन से हैं, समर वेकेशन बजाते खुद एक डिबेटेबल मौजू है क्योंकि बच्चों का लर्निंग लॉस एक 3 महीने के अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको अभी आपने रिकवर प्रॉपरली नहीं किया, उसमें मज़ीद झटका देना मुनासिब बात नहीं है। बाहर के ममालिक में बहुत सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उनमें पपेट थिएटर्स किए जाते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग की जाती है, फिर जैसे आप ऑनलाइन कह रहे हैं एक इन्वर्टेड एजुकेशन मॉडल भी होता है, मगर उसके लिए वालिदैन का तालीमी सतह का एक ख़ास हद से ऊपर होना ज़रूरी है। आपने बच्चों के लिए खेलों की कोई सहूलियात मैसर नहीं की हैं, आपने के लिए लाइब्रेरीज़ का इनेकाद नहीं किया, बच्चे अपनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं सोशल मीडिया से, बिल्कुल ठीक, जो कि एक इजी चीज़ है। सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन अनक्यूरेटेड है, क्यूरेटेड है, अनकोलेटेड है, अनवेरीफाइड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड, एग्जैक्टली। तो अब आपने बच्चे को ना सिर्फ एक अच्छे जो तालीम का इदारा है वहाँ से हटा के घर बिठा दिया है, बल्कि घर बिठा के उसको एक्सपोज कर दिया, क्योंकि देखिए अगर वालदा घर भी बैठी है तो उसके घर के उसकी जिम्मेदारियां हैं जिसको उसको बहरहाल निभाना है। तो मेरे ख्याल में किसी भी तौर पर तो फिर आप क्या तरीका कार हो सकता है, क्योंकि बच्चे तो घर बैठ चुके हैं, देखिए होता है ऑनलाइन तालीम जो है वो भी आप समझ रहे हैं नाकाफी है, तो फिर क्या ऐसी एक्टिविटीज बच्चों को दी जाए, किस तरह से उनका रुझान ये बनाया जाए कि अगर आप घर भी बैठे हैं तो फिर आपको पढ़ना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया आप उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। हाँ, उसमें ये किया जा सकता है कि क्योंकि हमें अब ये बात का अंदाज़ा है कि ये शायद इनको और बंद करना पड़े, तो स्कूल्स अपने पे ये जिम्मेदारी ले सकते हैं, क्योंकि स्कूल को पता है कि हम कौन कौन सी लर्निंग आउटकम्स को ट्रैक कर रहे थे इस हफ्ते में। एज इट इज़ हमारे यहाँ तालीम में ये होता है कि बाकी ममालिक में जो स्ट्रेटेजिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सुबह 7-8 बजे से शुरू होकर कम अज़ कम 1 बजे और थोड़े से आगे 3rd grade से ऑनवर्ड्स जो 3 बजे तक क्लास होती है, तो उनके लर्निंग आवर्स ज़्यादा होते हैं। तो एज इट इज़ हमारे लर्निंग आवर्स कम हैं, उनमें हमने क्रैम्प की होती है इन्फॉर्मेशन, तो कम से कम ये ज़रूर होना चाहिए कि अगर हफ्ता भर छुट्टी है या आप जैसे फरमा रही हैं कि 2 हफ्ते की छुट्टी है, तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बच्चों को हैंडआउट्स के तौर पे जाएं, होमवर्क को ट्रैक किया जाए, वालिदैन की जिम्मेदारी बनाई जाए कि या ऑनलाइन, और देखिए गरीब बच्चे के पास शायद मुमकिन ऑनलाइन एक्सेस भी ना हो, ना हो। तो मेरे लिए तालीम के अंदर अमीर बच्चे से ज़्यादा गरीब बच्चा ज़्यादा अहम है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी और प्रिविलेज का गैप है। तो अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि हर बच्चा ऑनलाइन कर सकता है, मैं उसको अज्यूम नहीं कर सकता। जब हम बाहर की बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पर बच्चों को बड़ी मयारी तालीम दी जाती है जो कि हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ किताबों को रट्टा मरवाना, बच्चों को सिलेबस रटवा देना, इसको मयारी तालीम कंसीडर किया जाता है। आप क्या समझती हैं कि किस स्टैंडर्ड का बच्चा, किस एज का बच्चा, किस क्लास में उसका एडमिशन होना चाहिए, उसको स्कूल जाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि आप मौजूद हैं तो मैं चाह रही हूँ कि हमारी ऑडियंस जो है वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके कि कौन सी बिल्कुल बेहतरीन एज है बच्चे के स्कूल जाने की, बच्चे का ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, बच्चा जो है वो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए बच्चा तो जिस रोज़ पैदा होता है उस रोज़ से सीखना शुरू हो जाता है, बिल्कुल उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन रिफ्लेक्सेस की तरबियत माँ उस दिन से शुरू कर देती है जिस दिन उसके गोद में आता है, और 2-2.5 साल का बच्चा जो है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए रेडी हो जाता है। हमारे यहाँ क्योंकि बच्चे फैमिली का साइज़ बड़ा होता है तो शायद उसकी उतनी ज़रूरत नहीं होती, बाहर क्योंकि फैमिली साइज़ छोटा है तो क्योंकि पीयर टू पीयर लर्निंग को बहुत अहमियत दी जाती है, तो बहुत छोटा बच्चा जल्द ही किसी ऐसे सिस्टम में डाल दिया जाता है ताकि वो अपने हम उम्र बच्चों से सीख सके, फिर मल्टी पीयर सेटिंग में सीख सके। तो हमारे यहाँ एज की शायद उस तरह से कैद की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बड़ी फैमिली यूनिट में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, लेकिन बहरहाल बच्चे को 4 साल की उम्र तक जो है एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाना चाहिए। ये जो हम अमूमन देखते हैं कि स्कूल में पढ़ाने के बावजूद बच्चों को ट्यूशन भेजने की ज़रूरत पेश आती है, वो समझते हैं कि जी यहाँ पर सही तरह से फोकस नहीं किया जा रहा, ज़्यादा स्ट्रेंथ की वजह से या जिस भी वजह से, ये आपको लगता है कि इससे फ़ायदा होता है या उल्टा ओवरबर्डन हो जाता है बच्चा? ये बहुत ही गलत रस्म है, और बाहर आप ये नहीं देखेंगे कोई ट्यूशन सिस्टम नहीं होता। स्कूल के लिए बड़ी शर्मनाक बात समझी जाती है, उस्ताद के लिए बड़ी शर्मनाक बात समझी जाती है कि हमने बच्चे को वो तमाम चीज़ें नहीं दी हैं
कि उसको घर जाके एडिशनल हेल्प सीख करनी पड़ रही है या वालिदैन से। यहाँ पर बच्चे आपने देखा बड़े बड़े बैग लेकर आते हैं, बड़े बड़े बैग लेकर जाते हैं, बाहर बच्चा एक छोटी सी चीज़ लेकर जाता है, सारी लर्निंग स्कूल में कंप्लीट करके जाता है, घर वो सिर्फ थोड़ी सी होमवर्क शीट्स लेके जाता है जो कि बड़ी मुख्तसर सी होती है और वो लेकर वापस आता है। बिकॉज़ ये समझा जाता है कि तालीम के साथ साथ उसका सोशल इंटरेक्शन, उसकी क्रिएटिविटी की जो है वो बहुत अहम है, और जो बैठकर बहुत ज़्यादा फोकस तरीके से पढ़ना है उससे ज़्यादा उसकी क्रिएटिविटी, इनोवेशन और स्किल ऑफ इन्वेंट करने की जो है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। स्टीम बेस्ड लर्निंग होती है जिसके अंदर बच्चे को बड़ी अर्ली एज में सिखाया जाता है कि साइंस क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, और आप उससे इंजीनियर कैसे कर सकते हैं। उसमें आर्ट का कॉम्पोनेंट लगाया जाता है कि ताकि वो एक सोल्यूशन को जो है क्रिएटिवली, ऑर्गेनिकली इन्वेंट कर सके। बच्चे को रट्टे को बिल्कुल नफी की जाती है। तीसरी जमात का बच्चा कभी रट्टे वाले अगर जो है ना वो डेफिनेशन देगा तो उसको रद्द कर दिया जाता है। उसको समझाया जाता है कि कॉन्सेप्ट क्या है एंड हाउ डू यू अराइव टू अ सोल्यूशन। और हमारे यहाँ तो बच्चों को इम्पोज किया जाता है, आपने यही सब्जेक्ट्स लेने हैं, आपको यही करना है। हम खुद डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, टीचर बनेगा, वॉट एवर, जो भी हमने डिसाइड कर लिया अपने बच्चे के लिए, फिर हमने उसके ऊपर वो मुसल्लत कर देनी है चीज़ें और उसको वही कुछ करना पड़ता है। समटाइम उनका इंटरेस्ट वो नहीं होता तो वो वाली चीज़ निकल नहीं पाती है। बच्चा ज़ाहिर है उसका इंटरेस्ट लेवल जितना होगा उस चीज़ के अंदर वो उतना ही चीज़ अच्छी बन पाएगी या वो उतना ही अच्छा रोल प्ले कर पाएगा। तो आप समझती हैं कि यहाँ पर हमारा एजुकेशन सिस्टम या हमारे पेरेंट्स दोनों को समझने और सीखने की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से दोनों को और माशरे को सीखने की ज़रूरत है। हमारे माशरे में एक बच्चे को फीडबैक देने का तरीका बड़ा मनफी है कि यहाँ फेलियर को बहुत बुरा समझा जाता है। बिल्कुल। और ट्राई करने को जो है आप उसको बताना चाहते हैं कि हाँ ये ऐसे करो, वहाँ पर हम बच्चे को थोड़ा स्पेस देते हैं और ट्राई करने को और ख़ुद फेलियर को हाईलाइट करते हैं। बिकॉज इंसान जो फेलियर से सीखता है वो सक्सेस से नहीं सीखता है। हम बच्चे के जहन में एक फियर डाल देते हैं ऑफ फेलियर, तो जो ये एक बड़ी अनहेल्दी सी चीज़ है। दूसरी ये बात है कि देखिए मुमकिन है कि जब तक हमारी जनरेशन के वालिदैन थे मुमकिन है कि उसमें ये चीज़ वर्क कर जाती हो कि उन्होंने एक चूरन बना दिया कि आपने डॉक्टर बनना है, इस बच्चे ने इंजीनियर बनना है, इसने वकील बनना है, इसने सिविल सर्वेंट बनना है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो भी कोई होता था वो बेचारा नालायक समझा जाता था। तो अब तो माशरा हर डेकेड में इतनी तेज़ी से चेंज कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, बहुत से जॉब तो रिडंडेंस हो गए। अव्वल तो पहली एक बात यह है कि तालीम का मकसद सिर्फ जॉब लेना है ही नहीं, मुआश से ज़्यादा ये जहन के इरफान का रास्ता है, आपकी तरबियत करना है, बिल्कुल सही तरबियत करने का रास्ता है। बहुत शुक्रिया सबा सबा, वक्त की कमी है आपकी तशरीफ़ का शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत और एजुकेशन सिस्टम तमाम स्टेक होल्डर्स जिनकी जिम्मेदारी है ऐसे तरीके से अदा करेंगे। और मेरे ख्याल में हर चीज़ का हल ये नहीं होता, सबा साहबा की बात ठीक है, लॉकडाउन लगा दिया जाए, बच्चों को उनकी पढ़ाई को मुतासर करें, उम्मीद करते हैं घरों तक बंद कर दिया जाए। बिल्कुल जी, और आने वाले दिनों में बेहतरी जो है वो आने के चांसेस हैं, आ जाएंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस जब आएंगे तो आपको एक उड़ती हुई गाड़ी के इन्वेंटर से मिलवाएंगे जिन्होंने इनको किया है और हमारे साथ मौजूद होंगे, मोटर ग्लाइडर। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे। नाज़िन, ये कहा जाता है कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज़ है साकी। बलोचिस्तान के ज़िला पशीन से मोहम्मद अशरफ, उन्होंने अपनी मदद आप के तहत मोटर ग्लाइडर बनाकर सबको हैरान कर दिया और इस बात को भी सच साबित कर दिया कि ये मट्टी बड़ी जरहेज़ है। मोहम्मद अशरफ ने बाकायदा स्कूल की तालीम हासिल नहीं की है और इसके बावजूद मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि मोटर ग्लाइडर उन्होंने बनाया, यूट्यूब, फेसबुक और दीगर इंटरनेट प्लेटफॉर्म से सीखा, वीडियोस देखी और उसके बाद छोटी सी एक गाड़ी का इंजन लेकर उन्होंने ये कारनामा कल्टस गाड़ी का इंजन लिया है और बाकी चीज़ें भी इसी तरह से किस तरह से उन्होंने इकट्ठी की और किस तरह से ये शाहकार बनाया है उन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको वेलकम कहेंगे अशरफ पाकिस्तान मॉर्निंग में, और हमारी टीम की तरफ से ढेरों मुबारकबाद आपकी इस काविश पर और कि जो कामयाब आपने तजुर्बा किया है मोटर ग्लाइडर बनाने का। कितनी मेहनत लगी, कब से शौक पैदा हुआ, क्या कुछ करना पड़ा? ये इसने भाई जब हम छोटे थे तो ये हमारी ख्वाब था कि मैं छोटा ग्लाइडर जहाज बना लूं, इसको उड़ा लूं। तो मैंने यूट्यूब चैनल से और फेसबुक से देखा था
उसी जब वीडियोस थे तो हमने देखी थी, तो मैंने उनसे बनाई थी। जबरदस्त। अच्छा मोहम्मद अशरफ, आपने यूट्यूब से सिर्फ वीडियोस देखकर किस तरह से इतनी बड़ी ईजाद है ये, माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में शायद आप पहले होंगे जिसने ग्लाइडिंग के लिए एक बाकायदा एक कार इस तरह से तैयार कर ली जो कि हवा में उड़ सकती है। लोग इस चीज़ को पढ़ने के बाद भी नहीं कर पाते और आपने बिना पढ़े सिर्फ वीडियोज़ देख के इन्वेंट कर पाए, आप किस तरह से कर लिया आपने? असल मैडम ये जो ग्लाइडर जहाज बनाते हो, जो भी काम करते हो, इनके लिए मेहनत की ज़रूरत है और मेहनत करनी पड़ेगी। इस के लिए तकरीबन हमने बहुत मेहनत की, तो इसमें जो चीज़ें हमने लगाई थी वो हमने फेसबुक से देखा था, तो फिर हमने इसको बनाया तो था। कितना वक्त लगा आपको ये बनाने में? इसमें तकरीबन 2-3 साल लग गया। अच्छा, इस इन्वेंशन के बारे में जरा बताइएगा कि इसका वजन कितना है, कितने लोग इसमें बैठ के उड़ान भरे, और आपकी फीलिंग्स क्या थी जब पहली बार उड़ान भरी थी इस पे? इसकी वजन तकरीबन 220 kg इसकी अपनी वजन है, और इसमें दो सवारी होते हैं, तो इसमें हमने हमने कल्टस का इंजन लगाया है। पाकिस्तान की अपनी गाड़ी है, उसमें दो इंजन आते हैं, एक 3 सिलेंडर की होती है और एक 4 सिलेंडर की होती है। तो मैंने 3 सिलेंडर वाला इंजन रखा था, वो कार्पेटर है, वो पाकिस्तान की अपनी इंजन है। जब ग्लाइडर जहाज की इंजन बाहर से मंगवाते हैं तो वो बहुत महंगा है, क्योंकि मेरे मुल्क के अंदर जो ग्लाइडर कंपनी है वो नहीं है, तो इनकी एक इंजन उसमें मुख्तलिफ इंजन आते हैं, 522 आते हैं, 912 इंजन जो है ना वो जबरदस्त। और आपने दो सीट्स के साथ इसको बनाया है और ये मोटर ग्लाइडर बड़ी ही खूबसूरत किस्म की आपकी ईजाद है, और मिनी जहाज जो हैं वो अब मोहम्मद अशरफ के थ्रू हमें हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। हम ये को भी खिदमत लेनी चाहिए अशरफ की वैसे, और हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। महदूद वसाइल और खुद अपनी कोशिशों और काबिशों के साथ आपने जिस तरह से ये मोटर ग्लाइडर बनाई है, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कमर्शियल सतह पर भी आप इसकी प्रोडक्शन करें और पाकिस्तानी इससे फायदा उठा सकें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज पर बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक, आपका फेवरेट सेगमेंट आ चुका है कि आपके सितारे क्या कहते हैं, क्योंकि आपका शिद्दत से इंतजार इसलिए होता है इस सेगमेंट का कि हर कोई जानना चाहता है कि उसका हफ्ता कैसे गुजरेगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बेहतरीन मौका है या नहीं है, कोई अच्छी खबर आने वाली है नहीं, सारा कुछ जानते हैं। उनसा शाह साहब बिल्कुल जी, उनसा शाह हमारे साथ ही मौजूद हैं, वेलकम टू शो कहेंगे। उनसा आप बताइए कि ये हफ्ता किसके लिए साजगार साबित होगा और किसके लिए मोहतात रहने की जरूरत है, किसको किसके लिए अच्छा नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ शुक्र अल्लाह का। अच्छा एरी से स्टार्ट लेते हैं, आज जो है हफ्ते का पहला दिन है, तो क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है एरीज वालों के लिए, तो ये हफ्ता जो है बड़ा फैसले लेने का हफ्ता है, बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं, स्पेशली करियर फाइनेंस से रिलेटेड या अपनी स्टडी से रिलेटेड जो है वो फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत समझदारी के साथ प्रैक्टिकल होकर फैसला लेंगे, तो ये हफ्ता एरीज वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टफ जरूर रहेगा, यानी कि स्ट्रगल और चैलेंजेस जरूर होंगे, लेकिन करियर के हवाले से मैं ये कहूंगी कि फेवरेबल रहेगा, यानी कि जो भी आप इस हफ्ते फैसला लेंगे वो बिल्कुल राइट डिसीजन होगा आपका। उसके बाद हम बात करेंगे टॉरस की, टॉरस के लिए 3 of Cups का कार्ड है, ये हैप्पीनेस का कार्ड है, तो टॉरस वालों की हफ्ता बहुत खुशियों वाला हफ्ता होगा, दुआएं कबूल होंगी, विश कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। सेलिब्रेशन का कार्ड भी है, घर में किसी की शादी तकरीब या आपकी शादी के हवाले से प्रपोजल्स आ सकते हैं, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई बिजनेस प्रपोजल आपका आ सकता है, कोई जॉब के हवाले से कोई आपको ऑफर मिल सकती है, तो इमोशनली फुलफिलमेंट का कार्ड भी है, किसी दोस्त से मुलाकात हो सकती है, किसी पुराने दोस्त के साथ दोबारा से कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, और ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो टॉरस वालों के लिए ट्रैवल भी होगा। जेमिनाई की बात करते हैं, बहुत बेहतरीन एनर्जी है जेमिनाई वालों की इस वीक में, सन की एनर्जी है, हर
वहां से एक तो ब्लेसिंग्स दुआएं और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली जो है अवेकनिंग का कार्ड भी है, उसके साथ ये सपोर्ट का कार्ड भी है, अल्लाह ताला की जात की सपोर्ट हर काम में आपकी होगी, यानी कि आपका पैसा हो, करियर हो, शादी के हवाले से आपको खुशी मिलेगी, मैरिड लाइफ के हवाले से खुशी मिलेगी, कारोबार के हवाले से आपको खुशियां मिलेंगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अभी तक देख रहे हैं कि ज्यादातर चीजें पॉजिटिव जा रही हैं मोस्टली स्टार्स की, इसकी कोई खास वजह है? कार्ड भी है, बात ये है कि कार्ड आपके सामने है और कार्ड जो है वो एक्सप्लेन करता है, तो कार्ड इतने पॉजिटिव नजर आ रहे हैं जेमिनी, इसकी वजह क्या होती है आंसर? क्या कोई सितारों की गर्दिश होती है, सितारों की मूवमेंट होती है जो इतनी पॉजिटिविटी हर सितारे में नजर आ रही है? देखिए वजह ये होती है कि आपकी अपनी पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी अपनी पॉजिटिव सोच, जब हफ्ता शुरू होता है तो हर कोई पॉजिटिविटी लेकर स्टार्ट करता है अपने काम का, ऑफिस जा रहा है या बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव वे, शायद वो पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास आ रही है। चलिए ये तो अच्छी बात है। अच्छा इसके जेमिनी की बात की बारी है, अब बात करते हैं कैंसर की, और कैंसर वालों के लिए थोड़ा सा जैसे कि अब आपने कहा कि बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, तो कैंसेरियंस वालों के लिए चैलेंजेस, स्ट्रगल है, चैलेंजेस है, मेहनत है और हर काम में रुकावट है, डिलेज भी हो सकते हैं, तो अगर ट्रैवल करना चाहते हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं, शादी के हवाले से भी चैलेंजेस रुकावटें रहेंगी, लेकिन काम उनका हो जाएगा। देखिए विदाउट स्ट्रगल तो कोई भी काम नहीं होता है, तो थोड़ा टफ टाइम रहेगा कैंसेरियंस के लिए, लेकिन काम उनका हो जाएगा। फिर आप लियो की बात करते हैं, यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स, स्पेशली लियो वालों को पैसों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर करना चाहिए, अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कारोबार चला रहे हैं, कहीं पे कोई स्टॉक एक्सचेंज, लॉटरी इनफैक्ट अगर आप भी ले रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर लॉस्ट मतलब का कार्ड है, तो हो सकता है कोई नुकसान हो सकता है, इस हफ्ते इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए लियो को। जी बिल्कुल, पैसा कहीं लगाना नहीं है, खर्च नहीं करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, उसके बाद जो है वो हम अपनी कीमती चीजें दफ्तर में या घर में बहुत संभाल के रखनी है, ज्वेलरी कैश, वरना चोरी भी हो सकती है। वर्गो की बात करते हैं, वर्गो वालों के लिए फ्यूचर को लेकर वो बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी भी हो सकती है, यहाँ पर फ्यूचर को लेकर वर्गो बहुत जो इनसिक्योर होगा, फियर, यानी कि प्लान करेगा लेकिन एक्शन नहीं लेगा, शादी को प्लान करेगा लेकिन इनसिक्योर हो जाएगा, तो इन्हें करनी भी नहीं चाहिए, नहीं नहीं जिसकी नहीं हुई उसको तो करनी चाहिए, कोई बिजनेस चलाना है, तो उसके हवाले से भी जो है वो थोड़ा सा इनसिक्योर रहेंगे कि जो है वो करना चाहिए नहीं कर रहा, तो अपने आप को थोड़ा उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अब लिब्रा की बात करते हैं, बेहतरीन एनर्जी है लिब्रा वालों की, ट्रैवल स्पेशली ट्रैवलिंग के लिए कहीं अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अपना घर मूव कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस के हवाले से बहुत जबरदस्त है, अगर कोई ऐसा कारोबार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेन के से कोई ताल्लुक है उस कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शादी का कार्ड लिब्रा के लिए, शादी का टाइम बेस्ट टाइम है, अगर इस वक्त शादी करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काफी टाइम बहुत कम है, थोड़ा जल्दी में तमाम स्टार्स के बारे में हम जानना चाहेंगे। करते हैं स्कॉर्पियो में जो है वो थोड़ा स्कॉर्पियो वालों को एहतियात करना चाहिए शादी के लिए या लाइफ पार्टनर के लिए, अगर शादी कर रहे हैं तो एहतियात करें कि किसके साथ करें, जल्दी किसी के साथ ट्रस्ट नहीं करें। इसी तरीके से बिजनेस भी अगर आप कर रहे हैं तो जो है वो देखें कि कहीं पे आपका ट्रस्ट ब्रेक ना हो। फिर यहाँ पर सजिटेरियस की बात करते हैं, मीटिंग्स बिजीनेस नजर आ रही है सजिटेरियस की हर हवाले से, घर में खवातीन सजिटेरियस बिजी हो सकती हैं और बिजनेस में भी काफी मसरूफियत, बहुत सारी चीजें कमिटमेंट हो सकती हैं। कैप्रिकॉन के लिए बात कर रहे हैं, कैप्रिकॉन जो है वो इस वक्त बहुत एक्टिव लग रहा है, एनर्जेटिक, बहुत सारे काम, मल्टी टास्किंग, मल्टी टैलेंटेड नजर आ रहे हैं, पढ़ाई में बिजी है, ट्रैवल में बिजी है और शादीशुदा मैरिड लाइफ है या लव लाइफ है उसमें भी काफी मसरूफियत है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्वेरियस की। एक्वेरियस वालों के लिए सेलिब्रेशन टाइम है, हैप्पीनेस का टाइम है, हर हवाले से, ट्रैवल के हवाले से भी बहुत अच्छा है, सेहत एक्वेरियस की बहुत अच्छी रहेगी, शादी के हवाले से बहुत जबरदस्त टाइम है एक्वेरियस वालों का। पाइसिस की बात करते हैं, या पाइसिस के लिए थोड़ा सा इमोशनली लॉस है, हो सकता है किसी दोस्त के साथ ब्रेकअप हो जाए, लवर के साथ, या शादीशुदा लाइफ में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन
वेकेशंस हो सकती हैं, पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करने, पैसा बहुत खर्च होगा इस हफ्ते पैसेस वालों का, तो सेहत को भी बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर करनी, क्योंकि सेहत भी आपकी खराब हो सकती है। अच्छा उषा, एक चीज बताइए, ये आपने कार्ड्स तमाम स्टार्स के साथ मेंशन किए, तो ये कार्ड्स किस तरह से रिलेट करते हैं स्टार्स के साथ और इनके क्या असरात होते हैं, कैसे पता चलता है कि किस स्टार के साथ कौन सा कार्ड मैच कर रहा है इस हफ्ते? नहीं देखिए, मैं तो कार्ड्स जो मेरे पास होते हैं, मेरे पास देखें ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स की डेक होती है टैरो कार्ड्स की, और उसको मैं करती हूँ शफल, और शफल करती हूँ, शफल करने के बाद जब मैं उसको एनर्जी देती हूँ और उसके बाद मैं उसको कहती हूँ कि एरीज के लिए कार्ड मुझे निकाल के दें। एनर्जी कैसे देती है, कोई हमें भी ट्रिक बता दें, जुनैद भी एनर्जी देना चाहते हैं और निकालना चाहते हैं। सीक्रेट टिप्स है, किसी को नहीं मिलती। अच्छा अच्छा, इसके ऊपर कोई खास किस्म की कोई पढ़ाई होती है? मंत्र पढ़ना पड़ता है, मंत्र जिस तरह जुनैद मंत्र कह रहे हैं, मंत्र होता है, क्या होता है? ऑब्वियसली मैं सर्टिफाइड रीडर हूँ, कोर्सेज होते हैं, जब तक किसी चीज को सीखा नहीं जाएगा तो इल्म आपको कैसे मिलेगा, तो ये भी एक साइंस है, एक नॉलेज है, आप इसको सीखेंगे तो जबरदस्त। थैंक यू, और उम्मीद करते हैं कि आप एहतियात के साथ, बेहतर फैसलों के साथ इस हफ्ते को गुजारेंगे ताकि नुकसान से बचा जा सके और अच्छी चीजें आपके करीब आएं। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि इंसानी जिस्म को फिट किस तरह से रखा जा सकता है और लंबी जिंदगी किस तरह से जीनी है, वर्जिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, योगा इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब बताएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं योगी नईम, और हम आपको बताएंगे कि वो लोग जो जिम नहीं जा सकते और वो लोग जो कहते हैं कि जी हमारे लिए बड़े मसाइल हैं, कोई वॉक नहीं कर सकता, तो उन सारों का हल आज हमारे पास मौजूद है स्टूडियो के अंदर योगी नईम सर। बिल्कुल जी, योगी नईम साहब आपको वेलकम टू शो कहेंगे, और ये अपना जो आपने इस वक्त योगा आसन आपने शुरू किया है, सबसे पहले इसी आसन से ले लेते हैं कि इस आसन का नाम क्या है और कितना ज़रूरी है योगा, ये भी बताइएगा और इस आसन का नाम भी बताइएगा। देखिए बहन, योगा जो है बेसिकली पहला जो इसका पोज है सुख आसन है, ठीक है। सुख आसन जो है वो बनाया जाता है ज्ञान मुद्रा लगाकर, इजी पोज में बैठा जाता है, लेकिन इसको सुख आसन हम इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले आपने दुख दूर करने यहाँ से। अच्छा, जब तक आपके दिमाग में दुख है आप सुख आसन नहीं लगा, माइंड को क्लियर कर देना। अच्छा, किस तरह से क्लियर होगा, सिर्फ इस तरह बैठने से? ये ज्ञान मुद्रा जो है बेसिकली पॉजिटिव करता है ब्रेन को, आपके रिलैक्स करता है, मेंटली रिलैक्सेशन होती है आपको, ये थॉटलेस करता है, क्योंकि आज का इंसान थॉटलेस नहीं है, खोया हुआ है या पास्ट में या फ्यूचर में, और पास्ट और फ्यूचर बहुत बड़े मर्ज बन चुके हैं, पास्ट आपका डिप्रेशन है, फ्यूचर एंग्जाइटी है, और योगा इंसान को इंसान के साथ मिलाता है, अपने साथ मिलाता है, हम दूसरों की जिंदगियों से निकलकर अपने जिंदगी की तरफ आते हैं, अपने साथ रहने की कोशिश करते हैं, और खुशी जो है अपने अंदर है, किसी और के साथ। लंबे लंबे सांस लेने हैं आपने, लंबे लंबे सांस। देखें दुनिया में सबसे अहम जो इस टाइम प्रॉब्लम है वो ये है कि टाइम नहीं है एक्सरसाइज का, या अगर जिम जाना पड़ता है तो आपको उसके लिए वक्त नहीं है, फिर आप अगर जिम घर में लेके आए तो उसके लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, और महंगे तरीन इक्विपमेंट जो है वो लेना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। दुनिया में इस टाइम योगा सबसे अहम इसलिए है कि ये एक तो सांस की आपकी प्रैक्टिस करवाता है, और सांस ही जिंदगी है, इंसानी जिस्म का फ्यूल ऑक्सीजन है, इंसानी जिस्म का फ्यूल खाना पीना नहीं है, हमने अपना फ्यूल खाना पीना समझ लिया है, जिसकी वजह से हम सांस लेते नहीं है, सांस ना लेने की बड़ी वजह डिप्रेशन है और एंग्जाइटी है। आप जब खोए होते हैं तो आप अपने साथ मौजूद नहीं है तो सांस छोटी हो जाती है, जब आप डीप स्लीप में चले जाते हैं तो आपकी सांसें लंबी चलना शुरू हो जाती है। हम अपने ऑडियंस को आसन सिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हेल्थी लाइफ जी सकें, मजबूत बॉडी, सेहतमंद दिमाग, तो किस तरह से मुमकिन होगा? पहले आसन से आप हमें सिखाना शुरू करेंगे, कितने आसन है टोटली, और पहले आसन से आप स्टार्ट करेंगे? बहन अगर हम पहला आसन जैसे हमने कहा सुख आसन में थोड़ी देर बैठें, 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, आप टेक लगा लें और ये ज्ञान मुद्रा लगा लें, पहली उंगली अंगूठे के साथ टच कर लें और अपनी सांस पे फोकस कर लें। अब आप जब सांस निकालें तो इसको जितना स्लो निकाल सकते हैं उस पे फोकस करें सांस को निकालते हुए। योगा ये कहता है कि जिस इंसान का सांस कंट्रोल में उसका दिमाग कंट्रोल में, जिस इंसान का सांस कंट्रोल में नहीं उसका दिमाग कंट्रोल में कभी नहीं हो सकता। आपने देखा होगा जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी सांसें फूली होती हैं, फेफड़ों का मजबूत होना भी बड़ा अहम है। तो हम ये पहले 5 मिनट के लिए ये कर लें, उसके बाद हम अगर मजबूती की बात करें तो हमें जो है वो कुछ ऐसी चीजें करनी है जिसमें आपको थोड़ा सा कैट पोजीशन में आते हैं, और एक मैं अभी आपको प्लैंक करना बड़ा मुश्किल होता है, प्लैंक अक्सर जब लोग करते हैं तो उनकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूं प्लैंक का। बिगिनर्स के लिए जी अपने जो है वो
पांव पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेच कर लें और बॉडी को सीधा रखते हुए नीचे देखते हुए अपने घुटनों को थोड़ा सा ऊपर उठा लें। ठीक है, इस आसन का नाम क्या है? ये प्लैंक की एक वेरिएशन है, आप इस ये बिगनर्स के लिए है। एक है ये प्लैंक आपके लिए मुश्किल हो जाता है करना और इसमें आपकी लोअर बैक पर प्रेशर आता है, लेकिन इसमें आपकी लोअर बैक पर प्रेशर कोई नहीं आएगा और आपकी लोअर बैक सेफ रहेगी। और ये इससे क्या क्या फायदे होंगे? इससे आपके पेट भी काम होगा, जो फूला हुआ पेट है, आपके साइड टायर काम होंगे और कोर मसल्स को ये मजबूत करता है। कितने सेकंड तक ये? जितना इजीली, हर किसी का स्टेमिना अलग है, जितना इजीली कर सकते हैं 30 सेकंड शुरू कर लें, एक मिनट दो मिनट, फिर आप रिलैक्स कर लें ऐसे। इसके आप बार बार सेट लगा सकते हैं। और अगर हम इसी को साइड प्लैंक पे ले जाएं तो फिर एल्बो नीचे ले आए और यूं अपनी साइड उठाने की कोशिश करें। एक तो ये कि नीचे की तरफ आए। ठीक है, आपके पांव की प्लेसिंग यही रहेगी? जी जी, यूं अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करें ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसको हम एक और अंदाज से भी कर सकते हैं कि एक पांव को आगे ले आइए। ठीक है, यहाँ पे, और अब जो लेग नीचे वाली है इसको ऊपर उठाइए। अच्छा, ठीक है। ये जो अक्सर लोगों के साइड बटक्स निकले होते हैं, ये उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, आपको शेप अप करने के लिए। शेप अप करने के लिए कि आप ऐसे साइड पे लेट के अपने पांव को पकड़ लीजिए और नीचे जो लेग सीधी है इसको ऊपर उठाइए। ठीक है, ओके। अब इन आसन्स के साथ साथ नाम भी बताते जाए ना इन एक्सरसाइजेस के, ताकि लोग लेग रेस, इसमें साइड प्लैंक और ये हमने जो है वो इस अंदाज में करना है। फिर अगर हम और ये यही पोस्टर दूसरी साइड पे भी दूसरी साइड सेम करेंगे। अच्छा, अब हम अगर बेली फैट पे काम करते हैं तो एक नाव पोज है जिसमें शुरू में तो जो है आप बॉडी को उठाइए और यहाँ रुक जाइए। ठीक है, और कितने सेकंड का यहाँ पे? जितना इजीली हो। ठीक है, फिर इसके बाद आप एक लेग राइज कर लीजिए, 90 डिग्री पे ले आइए। ठीक है, इसी तरह फिर दूसरी साइड और इसमें फिर आप और साइड पे लेके आते हैं काम अपना, तो उसमें फिर आप लेग राइज करिए और साइड पे निकलिए। ठीक है, अच्छा, जो योगा के बाकी पोजेस होते हैं लाइक जैसे जिनको आसन्स कहा जाता है, सूर्य नमस्कार आसन कहा जाता है, फिर उसके अलावा एक लिजर्ड पोज जिसमें आके आप आसन करते हैं, उन सब के बारे में भी बताइएगा। लिजर्ड पोज जो है बेसिकली आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए किया जाता है, उसमें पहले आप इस पोजीशन में आके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, चेस्ट को ऊपर उठाते हैं। इसमें भी इनहेल और एक्सहेल किया जाता है, यहाँ पे इनहेल करना है, इनहेल करते हैं, एक्सहेल, इनहेल। तो ये योगी नेम साहब, ये सारा कुछ इंडोर ही बेहतर रहेगा आज? इंडोर तो स्मोक बहुत है भाई। जी जी जी, बाहर स्मोक है, इंडोर आप करें। और फिर, ठीक हो तो फिर आप जब इसमें माहिर हो जाएं तो फिर एल्बोज को नीचे ले आते हैं। ठीक है, और ये कौन सा पोज है? लिजर्ड पोज। उर्दू में कहें तो छिपकली वाला पोज। जी, छिपकली वाला। तो जैसे सूर्य नमस्कार की बात की आपने, सूर्य नमस्कार बहन एक ऐसी एक वो सीक्वेंस है कि अगर आप वो डेली 10 times करते हैं तो ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। एक सीक्वेंस है जिसमें आपके सर से लेके पांव तक एक्सरसाइज है। मैं एकदम वो भी परफॉर्म कर देता हूँ। जी जी, आप देखिए कि यूँ खड़े हो जाइए मैट के कॉर्नर पे, सांस निकालिए और सांस अंदर लेते हुए यानी कि पूरी बॉडी की स्ट्रेच निकालते हुए कमर सीधी। और ये टोटल कितना दुरानिया होना चाहिए इस योगा का, एक सेशन का? जितना इजीली कर सकते हैं 10 से 15 मिनट। राइट लेग पीछे ले जाइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है योगी नेम साहब, थैंक यू सो मच। और ये सारी बड़ी मुफीद चीजें हैं, इस तमाम चीजों को अगर आप प्रैक्टिस कर सकेंगे तो बहुत अच्छा है। उसमें से कुछ को भी अपना लें तो आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है, जोड़ों के दर्द, दीगर मसाइल, मोटापा, इससे आपकी जान छूट सकती है। बिल्कुल जी, और आप फिट रह सकते हैं। लंबी जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है, और आप भी योगा जरूर कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।